ओम श्री सद्गुरु तो आचार्य देशिया नाम मतम उत्थापयति। तो आचार्य देशीय शब्द ये देशीय प्रत्यय लग के बना हुआ है। ईषद समाप्तौ कल्पब देश देशीय 5-3-6-7 और समाप्ति का अर्थ है जैसे काशिका में दिया है समाप्ति पदार्था नाम संपूर्णता। पदार्थों की संपूर्णता है अर्थ समाप्ति का और यह है ईषद असमाप्ति। तो उसमें लिखा है कि स्तोकेन असंपूर्णता। स्तोकेन असंपूर्णता माने स्लाइटली लेस देन कंज्यूमेट टीचर। जिस टीचर की हाईएस्ट क्वालिटी होती है उस हाईएस्ट क्वालिटी से थोड़ी कम वो आचार्य देश में। मतलब जो परफेक्शनिस्ट है उनके लिए परफेक्ट लेस देन परफेक्ट। तो आचार्य देशी यही है कि जो उपासना इत्यादि है तो वेदांती, परंतु वो उपासना परक वेदांतों को मानते हैं उन आचार्यों के मत को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। तब ये कहा ना उसमें मूल भाष्य में अत्र अपरे प्रत्यवतिष्ठन्ते। तो अपरे से ये आचार्य देशी कहा है ना महामतिकार में कि वो दूसरे एक प्रकार से एक देशी आचार्य वो इस बात को कंटेस्ट करते हैं कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है। वो ये कहते हैं कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं बल्कि वेदांत क्योंकि उपासना परक है इसलिए वेदांतों का तात्पर्य ब्रह्म में नहीं है। अब वो जो मत है आचार्य देशियों का उसके लिए यहाँ पर 1-2-3-4 हेतु दिए। तथा ही से वो एक्सप्लेन कर रहे हैं क्यों शास्त्र प्रमाणक ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है। अज्ञात संगतित्वेन शास्त्रत्वेन अर्थवत्तया मननादि प्रतीत्या च कार्यार्थात ब्रह्म निश्चयः। अज्ञात संगतित्वेन क्योंकि ब्रह्म में किसी शब्द का कोई संबंध नहीं है और ये स्वयं भामतिकार इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत डिटेल में करेंगे। अज्ञात संगतित्वेन माने ब्रह्म में किसी का शब्द का कोई संबंध नहीं है इसलिए, और शास्त्रत्वेन शास्त्र होने के कारण क्योंकि वेदांत शास्त्र है वेद की तरह, और अर्थवत्तया माने प्रयोजनवत्तया सिद्ध सिद्ध अर्थ में तात्पर्य नहीं होता शास्त्रों का इसलिए प्रयोजन होने के कारण भी हम ये कहेंगे कि वेदांतों का तात्पर्य ब्रह्म में नहीं होकर के उपासना में किसी कार्य में। मननादि प्रतीत्याच और श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन का भी ज्ञान होता है यानी मनन और निधिध्यासन का भी विधान किया गया है इसलिए कार्यार्थात कार्यार्थक जो शास्त्र वाक्य है यानी वेदांत वाक्य है उससे ही ब्रह्म का निश्चय होता है। अर्थात उपासना परक तो है वेदांत, ब्रह्म एक प्रकार से यानी ब्रह्म का समर्पण कर रहा है उपासना विधि के शेष के रूप में। मूलतः वेदांत उपासना परक ही हैं। इसको बड़े डिटेल में ये कल्पतरु में भी समझाया है। ये देखिए
1 2 3 4 5 6 7 सातवीं पंक्ति से, एवं तावत सिद्धेर्थेपि प्रमाणांतर परतंत्राणाम पौरुषे वाक्यानाम अंगीकृत्य प्रामाण्यं वेदांतेषु क्रिय विषयताम अंतरेण नैरपेक्ष पुरुषार्थ पर्यवसाने न लभ्यते इति मतं ब्रह्मात्मैक्यस्य प्रमाणांतर आगम्यत्वेन तद अवगम मात्रायत्त प्रयोजन लाभेन च परानुद इदानीं इदानीं से इदानीं आओ राई इसके तरफ से आ रहा है आवाज हाँ इदानीं कार्यान्विते अर्थे पद संगति ग्रहण कार्यान्वित अर्थ में ही पद संगति का ज्ञान होने के कारण सिद्धम वस्तु न शब्द प्रमेयम सिद्ध वस्तु शब्द का प्रमेय नहीं है यानी कि शब्द का वो शब्द के द्वारा जानने योग्य नहीं है इति वेदांतानुपासन वेदांतान उपासन नियोग परान जो वेदांतों को उपासना रूप नियोग परक मानते हैं वेदांतान उपासन नियोग परान ये मन्यन्ते तन मतेन पूर्व पक्षम आह ये पूर्व पक्ष हुआ उनका यानी सिद्धांति के लिए ये पूर्व पक्ष सिद्धांति है कि शास्त्र प्रमाण ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है और आचार्य देशीय ये कह रहे हैं कि ब्रह्म वो शास्त्र प्रमाणक नहीं है बल्कि ब्रह्म उपासना शास्त्र प्रमाणक उधर महामतिकार समझा रहे हैं न खलु वेदांता सिद्ध ब्रह्म रूप परा भवितुम अर्हन्ति वेदांत सिद्ध ब्रह्म परक नहीं हो सकते तत्रा विदित संगतित्वात् क्योंकि वहां पर वेदांतों का वेदांत वाक्यों का कोई संबंध नहीं है यानी वेदांत वाक्य में जो शब्द आ रहे हैं उनका ब्रह्म में कोई संबंध ज्ञात नहीं होता ज्ञात न होने के कारण जब शब्द का शब्द की शक्ति ब्रह्म में नहीं है तो ब्रह्म का ज्ञान कैसे हो सकता है ब्रह्म परक कैसे हो सकते हैं शास्त्र उसी को समझा रहे हैं आगे यत्र ही शब्द लोकेन न प्रयुज्यन्ते तत्र न तेषां संगति ग्रह लोक के द्वारा जहां पर जिस अर्थ में शब्दों का प्रयोग नहीं होता है तो वहां पर उनका संगति ग्रह उनका शक्ति ग्रह उनका संबंध का ज्ञान भी नहीं होता है यत्र ही शब्द लोकेन न प्रयुज्यन्ते तत्र न तेषां संगति ग्रह और लोकेन का अर्थ कल्पतरु में दिया है लोकेन इति वृद्ध ही यानी वृद्ध लोगों के वृद्ध समझदार लोगों के द्वारा शब्दों का प्रयोग जिस अर्थ में होता है उन्हीं अर्थों में उन शब्दों की संगति का संबंध का ग्रहण होता है और लोक सिद्ध अर्थ में यानी वृद्ध लोग प्रयोग नहीं करते हैं तो यहां पर वो संकेत उस तरफ कर रहे हैं जैसे कि मीमांसा में आता है कि एक वृद्ध उत्तम वृद्ध मध्यम वृद्ध और बाल वृद्ध करके यही उदाहरण यहाँ पर आके देंगे उसी को वहीं समझ लेंगे जब ये दे रहे हैं यहाँ पर न च अहेयम अनुपादेयम रूपमात्रम कश्चित विवक्षति प्रेक्षावान प्रेक्षावान जो समझदार व्यक्ति है वो रूप मात्र का अर्थ दिया है इसमें वस्तु मात्र ऐसे वस्तु मात्र का कहने की इच्छा नहीं करता है कोई प्रेक्षावान व्यक्ति समझदार व्यक्ति जो वस्तु में ना तो हेयता हो ना उपादेयता हो न च अहेयम अनुपादेयम रूपमात्रम कश्चित विवक्षति प्रेक्षावान अहेय और अनुपादेय वस्तु मात्र की विवक्षा नहीं होती प्रेक्षावान को कोई भी ऐसी वस्तु का उल्लेख नहीं करता प्रयोग करता
भाषा में जो हे और उपादेय न हो, क्योंकि जो अहेय और अनुपादेय वस्तु है तस्य अबुभुत्सितत्वात्, क्योंकि उसको कोई जानने की इच्छा ही नहीं करता, और जिसको कोई जानने की इच्छा नहीं करता उसको आप यदि वाक्य में प्रयोग करेंगे दूसरे को बताने के लिए, ये है ना अभुभुत्सिताव बोधने च प्रेक्षावत्ता विघाता, जो जिज्ञासित अर्थ नहीं है, जिस अर्थ की जिज्ञासा नहीं है, जो अर्थ बुभुत्सित नहीं है, उसका ज्ञान कराने में तो प्रेक्षावत्ता का विघात ही हो जाएगा, समझदारी कहाँ रहेगी आदमी। समझदारी इसमें है कि जिस वस्तु की किसी को इच्छा हो उसी का वो ज्ञान कराए, प्रेक्षावान वही है। और यदि ऐसी चीज का ज्ञान कराने के लिए वाक्य भाषा का प्रयोग कर रहा है कोई प्रेक्षावान व्यक्ति, तो उसकी प्रेक्षावत्ता का ही विघात हो गया, उसकी समझदारी ही नहीं रही। तस्मात प्रतिपित्सितम प्रतिपिपादिशन नयम लोकः प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु भूतम एव अर्थम प्रतिपादयेत। इसलिए प्रतिपित्सितम बुभुषितम, जिसके जानने की इच्छा है, जिसके जानने की इच्छा है उसको ही जनाने की इच्छा करे, उसके ही ज्ञापन की इच्छा करने करते हुए ये लोक ऐसे अर्थ का प्रतिपादन करता है जो प्रवृत्ति और निवृत्ति का हेतु है। अब प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु भूतमेव अर्थम, तस्मात प्रतिपित्सितम प्रतिपिपादयिशन अयम लोकः प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु भूतमेव अर्थम प्रतिपादयेत। तो ये अब इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रयोजनवान अर्थ है उसी का कथन होना चाहिए, यही है ना? ये बिल्कुल, क्योंकि प्रयोजनवान को ही तो जानना चाहेगा ना आदमी। ठीक है सर। और जिसमें हेयता नहीं है, उपादेयता नहीं है, तो वो प्रयोजनवत्ता उसकी हो ही नहीं सकती। हाँ, हो ही नहीं सकती उपमात्र से। हाँ ठीक है सर। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि भाई कार्यम चावगतम तद हेतु तदेव बोधे, और जो जिस कार्य का ज्ञान होता है ना कार्य जानने के बाद, तद हेतु माने वो प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु। अच्छा, कार्य प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु तदेव बोधेत, इसलिए कार्य को ही बोध कराए। कार्यम चावगतम तद हेतु इति तदेव बोधे, तद हेतु में प्रवृत्ति निवृत्ति हो गई तद से, और तदेव बोधे से कार्य हो गया। एवं च वृद्ध व्यवहार प्रयोगात पदानाम कार्यपरताम अवगच्छति। इस प्रकार वृद्ध व्यवहार के प्रयोग से पदों की कार्यपरता जानता है व्यक्ति। जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं? जो असर्टिव सेंटेंसेस हैं, हाँ हाँ, जिनमें स्थिति मात्र का बोध होता है, उनको अर्थपरक नहीं मानते हैं मीमांसक। हाँ, मीमांसक नहीं मानते, इसलिए वो जो है ना क्रियान्वित में ही शक्ति मानते हैं जी। और जहां पर वो होता है, जैसे मान लो घटम आने हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं, हाँ, तो घटम आने ये क्रियान्वित तो है जी। अब फिर ये दिक्कत हो गई, यदि क्रियान्वित में शक्ति आप मान रहे हो तो फिर क्रिया में शक्ति कैसे होगी जी। तो फिर उसके लिए उन्होंने एक नया टर्म आविष्कार किया, क्रियान्वयान्वयिनी। अच्छा, क्रियान्वयान्वयिनी। अब वो जो सेकंड अन्वयिनी है ना जी, वो सेकंड अन्वयिनी से क्रिया का भी संबंध हो जाएगा, क्योंकि संबंध दोनों तरफ होता है ना जी, और क्रियान्वित में भी हो जाएगा। तो फिर वो उसका निष्कर्ष ये निकला कि क्रियान्वय अन्वयिनी में शक्ति का ग्रह होता है। तो असर्टिव सेंटेंसेस जो है वो भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस के प्रति गौण होकर के अपना वो तो जैसे ना, जैसे अर्थवाद वाक्य हैं जी जी, असर्टिव सेंटेंसेस, तो उनकी क्रिया, उनकी सार्थकता इसमें हो गई कि विधि के साथ एक वाक्यता हो जाएगी। तो घट अस्थि जो है वो घट मानय के प्रति गौण होकर के अर्थ दे सकता है। हाँ, अन्यथा उसका कोई अर्थ नहीं। हाँ,
जैसे अब ये कह रहे हैं कि भाई ब्रह्म उपासना शास्त्र का अर्थ है। हाँ, सही, जब, जब ये उपासना है तो उस उपासना के शेष के रूप में ब्रह्म समर्पित हो जाएगा। क्योंकि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि स्थिति परक वाक्य हैं। हाँ, ये सब उपासना के शेष के रूप में समर्पित हैं। और तद्विजिज्ञासस्व इत्यादि जो है वो वस्तु उपासना परक वाक्य हैं। हाँ, वे मुख्य हैं। और सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जो है वो स्थिति परक होने के नाते गौण है। गौण है जी, ये है। तो अब इसमें जो बता रहे हैं आपके एवं च वृद्ध व्यवहार प्रयोगात पदानाम कार्य परतनाम अवगच्छति। अब ये उसको जो मैं अभी बता रहा था, अभी किंचित साक्षात कार्य अभिधायकम किंचित तो कार्यार्थ स्वार्थ अभिधायकम। कोई साक्षात कार्य का अभिधायक है और कुछ उसका अभिधायक है जिसके साथ कार्य जुड़ा हुआ है। कार्यार्थ स्वार्थ अभिधायकम न तो भूतार्थ पड़ता पदाना, परंतु पदों की भूतार्थ पड़ता है, सिद्धार्थ पड़ता नहीं है। क्लियर हुई बात? तत्र किंचित साक्षात कार्याभिधायकम। तो जो कार्य परक, कुछ तो ऐसे वाक्य हैं जो साक्षात कार्य का अभिधान करते हैं और कुछ ऐसे वाक्य हैं जिनमें जो कार्य के लिए अर्थ है उसका कथन होता है। ये सर मत किसका है? हैं? ये मत किनका है? मीमांसा का। नहीं, ये जो उपासना, जो जो उपासना को मुख्य वाक्य और यही तो बता रहे हैं इसमें कि एक वेदांती एक देशी ऐसे हैं जो वेदांतों को ब्रह्म परख न मान करके उपासना परख मानते हैं, उनका मत दिया जा रहा है। नहीं, आचार्य देशीय का मतलब यहाँ पर यही है कि जो कंज्यूमेट वेदांत प्रिसेप्टर्स या टीचर्स नहीं है, पर थोड़ा सा जो परम सिद्धांती है उससे थोड़ा कम उनका स्थान। आज कौन परंपरा है, उज्जीवित जो परंपराएं हैं? हाँ, आज जो जीवित परंपराएं हैं उनमें कौन परंपरा है जो इस्तेमाल इस समय जीवित परंपरा में? जीवित परंपरा में तो पुरानी परंपरा की बात कर रही है, भारतीय प्रपंच इत्यादि की। तो ये जो रामानुजाचार सब इसी को लेके आगे बढ़े थे? नहीं, रामानुजाचार रामानुजाचार का उनका मत तो मैंने नहीं देखा, क्योंकि भारतीय वैसे तो सर जो भक्ति के जो है ना, भक्ति का प्रतिपादन जो करते हैं, तो वो हो सकता है कि वो इस मत के ही पोषक हो, इसके ही पोषक हो। परंतु यहाँ पर जो मत है ये विशिष्टाद्वैत का नहीं है, यहाँ पर अद्वैत का ही मत है और अद्वैत का एक देशी मत है। अब आचार्य रामानुज तो अद्वैती नहीं है ना, लेकिन भारतीय प्रपंच को तो ये सभी आदर्श मानते हैं सर। कौन? ये जो भक्ति वेदांती है। हाँ, भक्ति वेदांती मानते हूँ, पर उस समय रामानुज तो नहीं थे ना इनके सामने। नहीं, वो नहीं कह रहा सर, वही जो बीज जो भारतीय प्रपंच का था ना, वही बाद में इस इन सब के। हाँ, वो जो भारतीय प्रपंच का मत, जैसे सुरेश्वराचार्य ने भी उसका बड़ा खंडन किया है उसमें बृहदारण्य के भाष्य वार्तिक में, काफी डिटेल में खंडन हुआ हुआ है। बृहदारण्य का भाष्य वार्तिक देख लेना और उसमें आपको ये मिल जाएगा। मुझे इस समय ध्यान नहीं है, लेकिन मैंने पढ़ा जरूर है। ये जो साक्षात कार्य विधायक जिनको कह रहा है वो क्रियावाचक पद जो है वो साक्षात कार्य विधायक। हाँ, और घटम इत्यादि जो है वो कार्यार्थ स्वार्था विधायक है। जो घटम इत्यादि पद है वो कार्यार्थ स्वार्था विधायक है, और इत्यादि अन्य आनय इत्यादि पद जो है वो साक्षात कार्य विधायक है, और घटम इत्यादि जो है वो कार्यार्थ स्वार्थ विधायक है। तो ये घटम की भी भूतार्थ परता नहीं है। घटम का जो कंबुग्रीवादिमत्व है, जो अर्थ वो तत्पर नहीं है, मतलब वो आनय पर ही है वस्तुतः। जैसे आपने कहा अन्वयन अभी बता रहे हैं वो, ये
अच्छा, वो अभी ये बता रहे हैं ना कि जो कार्य प्रवृत्ति और निवृत्ति का हेतु है। जी। अब मान लीजिए वो जो उत्तम वृद्ध है वो ऐसा बताता है कि भाई ये एक गुलाब का फूल है जी, कि मध्यम वृद्ध को जी। अब वो मध्यम वृद्ध में तो कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो रही, नहीं हो गया। अब जब वो प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो रही तो वो कार्य से तो उसका कोई संबंध नहीं है ना, उस एक नियोज्यता, जी नियोज्यता का भान नहीं होगा उसको। हाँ एग्जैक्टली। लेकिन जब घटमाने कहेंगे तो वो घट लाने जाएगा जी, बाल वृद्ध फिर ये अनुमान करेगा कि इन्होंने जो शब्द बोला उसी के हिसाब से इसमें कुछ क्रिया हो रही है। हाँ। फिर वो ये अनुमान लगाएगा कि इस शब्द का ये अर्थ है जी, ऐसे। तो संभवतः ये कह रहे हैं ना कि घटम आने में भी जो घटम शब्द है वो कंबुक ग्रीवादिमान मात्र में उसका तात्पर्य नहीं है, नहीं है जी, जी। वो क्रियान्वित कंबुक ग्रीवादिमान में तात्पर्य है। हाँ क्रियान्वित में जी। हाँ, जी आनयन जिसके साथ है उस हाँ ऐसा घड़ा जिसका आनयन किया जाना है। हाँ तभी उसको पता लगेगा बच्चे को जी। न्याय सिद्धांत मुक्तावली के शब्द खंड में इसका उल्लेख किया है सर। अच्छा हाँ, कि मीमांसकों के मत को ना वहां पे लाया है। हाँ, तो फिर इसी बात को लगता है वहां पे प्रस्तुत किया। हाँ, तो ये यहाँ पर भी जैसे भामतिकार बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं ना, समझ में आ रही है बात ये। देखो फिर आगे कह रहे हैं ना, अपिच नरांतरस्य व्युत्पन्नस्य अर्थ प्रत्ययम अनुमाय तस्य च शब्द भावा 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 भावानुविधान नम अवगम्य शब्दस्य तद विषय बोधकत्वम निश्चेतव्यम। नरांतरस्य का मतलब है मध्यम वृद्ध। नरांतरस्य व्युत्पन्नस्य अर्थ प्रत्ययम अनुमाय। अच्छा उसको जो अर्थ प्रत्यय, उसको जो ज्ञान हुआ, नरांतरस्य व्युत्पन्नस्य, वो नरांतर व्युत्पन्न है और उसको उसका जो अर्थ प्रत्यय, उसको जो अर्थ का ज्ञान हुआ, नरांतर में जो अर्थ प्रत्यय है, मध्यम वृद्ध में जो अर्थ का ज्ञान हुआ उत्तम वृद्ध के बोलने से, वो ये अनुमान कर रहा है बाल वृद्ध, ये शब्द भावानुभाव भावा भावा भाव अनुविधानम, ये जो अर्थ प्रत्यय है, ये अर्थ प्रत्यय शब्द के होने पर हो रहा है, यानी कि उन्हें शब्द बोला तब वो उसको उस कार्य का ज्ञान हो रहा है। यदि वो शब्द नहीं बोलेगा या सिद्धार्थ शब्द बोलेगा तब वो कार्य प्रत्यय उस मध्यम वृद्ध में नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिद्ध सिद्धार्थक यदि वाक्य प्रयोग कर रहा है वृद्ध उत्तम वृद्ध, तो उसमें जो मध्यम वृद्ध के अंदर जो ज्ञान हो रहा है, यदि वो सिद्ध शब्द के अर्थ का उसको ज्ञान हो रहा है तो प्रवृत्ति निवृत्ति होगी नहीं और बालक कुछ अनुमान नहीं कर सकता। वो बालक गुरुजी प्रवृत्ति निवृत्ति चाहे ना हो लेकिन अर्थ ही नहीं है उसका, ये कैसे माना जा सकता है? मतलब वो प्रवृत्त नहीं करा पा रहा है वो वाक्य, लेकिन सिद्धार्थक वाक्य का अर्थ तो है। नहीं अर्थ तो है और शंकराचार्य तो कहते हैं अर्थ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सिद्धांत पक्ष है इसमें। हाँ सिद्धांत पक्ष में तो अर्थ है जी 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 जी। अच्छा ये तो पूर्व पक्ष कर रहे हैं ना भाई। हाँ जी पूर्व पक्ष इसलिए है कि सिद्धांत पक्ष अच्छी तरह समझ में आ जाए। जी 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 तो बिल्कुल ठीक है कि वो जो सिद्धार्थ है वो उनका अर्थ होता है क्यों नहीं होता है, ये सारी सारी डिस्कशन इजीली हो रही है जी। नरांतर से ये इसका अर्थ समझने की कोशिश करो। नरांतर से व्युत्पन्नस्य इसमें सर एक बात और है ना सर। हाँ एक बात कहना चाहता था। हाँ जी सर मैं बिमले। हाँ मैं ये कहना चाह रहा था सर, एक वाक्य होना एक बात है और विधि होना एक बात है, तो उसका वाक्यत्व नहीं है ऐसा नहीं कह रहे हैं, विधित्व नहीं है ऐसा कह रहे होंगे ना सर। और प्राभाकरों का और भाट्टों का थोड़ा मतभेद है इसको लेकर के, जो प्रवृत्ति निवृत्ति परक कथित रूप से वाक्य नहीं भी हैं, एक तो नियोग है और एक प्रवृत्ति निवृत्ति है,
तो वाक्य प्रवृत्ति निवृत्ति परक होते हैं ऐसा भाटों का कहना है, और सभी वाक्य नियोग परक होते हैं ऐसा प्राभाकरों का कहना है। तो नियोगवाद और कार्यवाद तो प्राभाकरों का वाद है। हाँ बिल्कुल, नियोग जो मत है वो प्रभाकर का ही। हाँ। तो जो प्रवृत्ति निवृत्ति है ना सर, प्रवृत्ति तो सामान्य क्रिया ही है ना, जिसको प्रवर्तना प्रतिपाद्य जो होता है वो प्रवृत्ति है, और निवर्तना हाँ। प्रतिपाद्य जो हाँ। निवृत्ति है, तो ऐसा तो कोई भी वाक्य होता ही है। लेकिन प्राभाकरों ने अंत में यह कहा सर कि सभी वाक्य अंततः नियोग समर्पक होते हैं, इसीलिए देवदत्त ग्रामम गच्छति का अर्थ होता है तम पश्य, जो रामनाथ जी कह रहे हैं ना। तो क्रियान्वित में शब्द में ही शक्ति होती है, वो शक्ति का बोध इसी रूप में ही मानते हैं, प्रत्येक शब्द में शक्ति बोध क्रियान्वित में ही होता है, क्रिया से अन्वित होगा तभी होगी। तो गुरु जी जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि विधित्वम अन्यत वाक्यत्वम अन्यत। हाँ हाँ, हम विधि को लेके बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं विधि को लेके भी बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे शास्त्रों के ऊपर भी तो आक्षेप कर रहे हैं ना कि उपनिषद उपनिषद ब्रह्म परक है। अब वो ये नहीं मान रहे कि उपनिषद ब्रह्म परक है। अब उपनिषद ब्रह्म परक नहीं है तो फिर किम परक है? तो वो जो आचार्य देशी का मत दिया है कि भैया वो उपासना परक है। और यदि ये सर आचार्य देशी वृत्तिकार नहीं है क्या? ये वृत्तिकार तो वेदांती माने भी नहीं जाते हैं, तो आचार्य देशी मतलब वृत्तिकार से भिन्न है। नहीं वृत्तिकार की बात नहीं हो रही है, लेकिन ये किस किस आचार्य को रेफर कर रहे हैं ये हम भर्तृ प्रपंच इत्यादि की थोड़ी कल्पना कर रहे हैं कि उनका मत ज्यादातर शंकर डील करते हैं। उपासना परकता तो सामान्य रूप से ये कहा जाता है कि वृत्तिकार मानते हैं सर सभी वाक्यों की उपासना परकता। समुच्चय बात तो भर्तृ प्रपंच जी का ही वो करते हैं। हाँ वैसे ज्यादातर तो भर्तृ प्रपंच का ही मानते हैं। अच्छा, बाकी ये एक रिसर्च का विषय है कि जो आचार्य देशीय या आप से कौन कौन से आचार्य लिए जा सकते हैं जो शंकर से पहले हैं। ये भास्कर लिए जाएंगे, भरतृ प्रपंच लिए जाएंगे, भास्कर का भी नाम आता है, पर उनके उनका भी एक पूरी फिलॉसफी तो हमें पता नहीं है कि भास्कर आचार्य की क्या फिलॉसफी है। भरतृ प्रपंच के बारे में इसमें आता है एक आर्टिकल है इनका हिरियाणा का सर, ये शंकर दिग्विजय में आता है ना वहां पे। अच्छा, एक तो भास्कराचार्य का तो अपना है ही भेदा भेद जो भास्कर भाष्य है। हाँ अब उस भेदा भेद का भी खंडन करेंगे आगे चल के ये। लेकिन सर ना शंकर दिग्विजय में भी जैनी में आचार्य शंकर और भास्कराचार्य के शास्त्रार्थ की बात कही गई है। अच्छा, उन्होंने वहां भी इन बातों को उठाया है कि भेदा भेदवाद और अद्वैतवाद में अंतर क्या है। अंतर हाँ हाँ, भास्कर मानता है भेदा भेद तो। हाँ उन्हीं का सर, तो शास्त्रार्थ इसीलिए वहां है आचार्य शंकर और भास्कराचार्य के बीच में, उज्जैनी में हुआ है ये। अच्छा, और ये अभी ये जो कार्य परकता को लेकर लेने के बाद भेदा भेद का भी इसमें खंडन हो रहा है, वो भी डिफिकल्ट टॉपिक है कि भेदा भेद में किस प्रकार से वो भेद का खंडन करते हैं अद्वैत वेदांती, और उसको भी देखेंगे वो। बाकी यहाँ पर ये तो एक पॉइंट समझ में आ ही रहा है ना कि जिन आचार्य का मत इस समय उपस्थापित किया जा रहा है वो आचार्य ये कह रहे हैं कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है। कौन है ये ढूंढा जा सकता है। जब शास्त्र प्रमाणक नहीं है तो फिर शास्त्र किम परक है? तो कहते हैं शास्त्र उपासना परक है। यदि शास्त्र उपासना परक है तो वेदांत वाक्यों का तात्पर्य का पर्यवसान उपासना में होगा, ब्रह्म में नहीं रहेगा, ब्रह्म शेष के रूप में आ जाएगा, ब्रह्म गौण हो जाएगा। ये मत चल रहा है इस समय, उसी को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे भ्रांतिकार भी जब दे रहे हैं तो ऐसा
मत दे रहे हैं प्रभाकर का सा। अब प्रभाकर का जो मत है वो किस अद्वैत वेदांति आचार्य से मेल खाता है, ये अब रिसर्च का विषय। क्योंकि यहां जो बात कर रहे हैं वो नारायण तरस्य इत्यादि, ये बिल्कुल प्रभाकर की लाइन पर चल रहे हैं। नारायण तरस्य ये मतलब यह मध्यम वृद्ध के लिए आ रहा है। और उसमें जो अर्थ प्रत्यय का मतलब यहां पर यह है कि कार्य रूप अर्थ का ज्ञान, कार्य रूप अर्थ का ज्ञान जो मध्यम वृद्ध में हो रहा है, वो बालक तभी अनुमान से उसका ज्ञान करेगा जब वो मध्यम वृत्त या तो किसी कार्य में प्रवृत्त होगा या किसी कार्य से निवृत्त होगा। क्योंकि वो कार्य ही प्रवृत्ति निवृत्ति का हेतु है। जब वो बोलेगा गांव आने, तब वो गाय लाने के लिए जा रहा है मध्यम वृद्ध, ये जो कार्य हो रहा है, तो बच्चा ये फिर अनुमान, बाल वृद्ध ये अनुमान लगाता है कि उत्तम वृद्ध ने कोई सेंटेंस बोला, शब्द बोला, और उस शब्द का अर्थ ये होगा जो वो कर रहा है मध्यम वृद्ध। वो तभी संभव होगा जबकि वो किसी कार्य में या तो प्रवृत्त हो या किसी कार्य से निवृत्त हो, क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति का प्रयोजक कार्य ही है। तो कार्यार्थक शब्द, तभी वो बच्चे को उस कार्यार्थक सेंटेंस से शक्ति ग्रह होगा कि ये जो बोल रहा है इस शब्द का अर्थ ये होगा, गाम आने, गाम बधान इत्यादि, कि भाई गाम का अर्थ क्या है, आने का अर्थ क्या है, बधान का अर्थ क्या है, ये उस बच्चे को ज्ञान हो जाएगा। तो ये लाइन तो बिल्कुल प्रभाकर की चल रही है। अब प्रभाकर का मत साम्य किसके साथ है, ये आप रिसर्च का विषय। शब्दस्य तद विषय बोधकत्वम निश्चेतव्यम, क्योंकि शब्द के होने पर वो प्रवृत्ति निवृत्ति हो रही है, शब्द के न होने पर प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो रही। व्युत्पन्नस्य अर्थ प्रत्ययम अनुमाय तस्य शब्द भावाभाव अनुविधानम अवगम्य शब्दस्य तद विषय बोधकत्वम, शब्द उस विषय का बोधक है ये निश्चित किया जाना चाहिए। नच भूतार्थ रूप मात्र प्रत्यये पर नरवर्तिनी किंचित लिंगम अस्ति। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। नच भूतार्थ रूप मात्र प्रत्यये, यदि वो ज्ञान उसको भूतार्थ, केवल भूतार्थ रूप मात्र माने केवल एक वस्तु मात्र का उसको ज्ञान हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि भाई ये कमल सुंदर है, ये बोला उत्तम वृद्ध, उसके अंदर कोई प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं हो रही, तो उस बाल वृद्ध को भी क्या पता लगेगा। तभी कह रहे हैं ना भूतार्थ रूप मात्र प्रत्यये पर नर वर्तिनी किंचित लिंगम अस्ति, कोई लिंग नहीं है, यानी कोई उसकी सूचना देने वाला, उसको बताने वाला नहीं है कोई ऐसा संकेत। क्योंकि जो पर नर वर्तिनी का मतलब ही मध्यम वृद्ध है, वहां पर नरांतर का उन्होंने प्रयोग किया, यहां पर नर का किया है। मध्यम वृद्ध में कोई ऐसा लिंग नहीं है जिससे कि उस बाल वृद्ध को पता लगे कुछ। तभी कह रहे हैं कार्य प्रत्ययेतु नरांतर वर्तिनी, मध्यम वृद्ध में जो कार्य का ज्ञान है, कार्य प्रत्ययेतु नरांतर वर्तिनी प्रवृत्ति निवृत्ति स्तो हेतु, प्रवृत्ति निवृत्ति उसमें हेतु हैं, कार्य प्रत्यय के में हेतु हैं। यानी जब वो कार्यार्थक वाक्य बोलेगा उत्तम वृद्ध, तभी मध्यम वृद्ध में जब प्रवृत्ति निवृत्ति होगी, तभी वो प्रवृत्ति निवृत्ति इसमें हेतु बनेंगी कि उस जो मध्यम वृद्ध है उसको कार्य का ज्ञान हो रहा है। तो कार्य के ज्ञान में प्रवृत्ति निवृत्ति हेतु हैं, इसलिए क्योंकि उपनिषदों में इत्यज्ञात संगतित्वात् न ब्रह्म रूप परा वेदांता, यानी यदि ब्रह्म को जब तक हम कार्य से अन्वित नहीं करेंगे
तब तक ब्रह्म में शक्ति का ज्ञान नहीं होगा। अज्ञात संगतित्वात्, ये जो इसमें आचार्य देशों के मत में पहला हेतु दिया है अज्ञात संगतित्वेन, ये पहला हेतु यहां पर इसकी व्याख्या ही हो रही है। अज्ञात संगतित्वात् न ब्रह्म रूप परा वेदांता, वेदांत ब्रह्म रूप नहीं, ब्रह्म रूप परक नहीं है, अर्थात ब्रह्म स्वरूप परक वेदांत नहीं है, अर्थात ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक नहीं है। तत्व समन्वयात में जो कहा था कि वो ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक है, उसका ये खंडन कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि क्योंकि यदि ब्रह्म कार्य से अन्वित नहीं है तो उसमें शक्ति का ग्रह होगा नहीं, और शक्ति का ग्रह नहीं होगा तो फिर उपनिषद वाक्य वेदांत वाक्य कैसे ब्रह्म को बताएंगे। इसलिए ये मानना चाहिए कि वेदांत उपासना परक हैं और ब्रह्म एक शेष रूप में वेदांतों का विषय है। अपीचे अगर हम ब्रह्म रूप प्रतिपादक वेदांत वाक्यों को गौण भी मान लें तब भी वो प्रमाणित तो कर ही रहे हैं ब्रह्म को, यानी ब्रह्म है इस तरह की बात तो बता ही रहे हैं, ब्रह्म तो वो शास्त्रीय तो फिर भी है। ब्रह्म है इस पर, ब्रह्म में शक्ति का ग्रह नहीं हो रहा है तो ब्रह्म को है क्या मतलब उसका, मतलब ब्रह्म है ये वाक्य, ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए इसके साथ तो मिल करके तो गौण मुख्य भाव से अर्थ तो दे ही रहा है। हाँ, वो दे रहा है ब्रह्म, तो ब्रह्म सत्य ज्ञान अनंत है और उसकी उपासना करनी चाहिए इस वाक्य में, इस ये जो एक वाक्यता हुई उसमें ब्रह्म है यानी ब्रह्म की सत्ता है इस प्रकार का तो इस प्रकार का अर्थ तो समाहित है ही, तो शास्त्र तो प्रमाणित कर ही रहा है उस। हाँ हाँ, लेकिन अब अंततोगत्वा ये बात होती है बलराम कि यदि हम उपासना से अन्वित ब्रह्म को वेदांतों का विषय मान लें तो उपासना से जो हमको ब्रह्म ज्ञान होगा साक्षात्कार होगा वो कार्य पर कार्य ही होगा, वो अच्छा वहां पर वो मोक्ष को नित्य मान रहे हैं और मोक्ष को नित्य मान करके उपासना किसी भी रूप में इस रूप में तो मदद करती है कि अंतकरण शुद्ध हो जाए जी, परंतु ब्रह्म का ज्ञान कराने में उपासना का कोई रोल नहीं है डायरेक्ट। तो ठीक है, चित्त शुद्ध हो जाए ब्रह्म तो अपने आप भासित हो जाएगा, तो ना, ऐसा नहीं है। अंतःकरण शुद्ध होने के बाद भी उस जब आप अंतःकरण शुद्ध आपका हुआ जी आपको निधिध्यासन करना पड़ेगा। ये जो निधिध्यासन इसलिए आवश्यक है कि जो हमारा साइकोफिजिकल ऑर्गेनिज्म है इसके साथ जो हमारी आइडेंटिटी है ये बड़ी दुरूह है, इसको हटाना, उस आइडेंटिटी को ब्रेक करने के लिए हमको निधिध्यासन में जाना ही पड़ेगा। ये भामतिकार कहते हैं और वो कि ये ठीक है अंतःकरण हमारा शुद्ध हो गया, अंतःकरण शुद्ध होने के बाद निधिध्यासन आवश्यक है, और जब निधिध्यासन होगा तो वो जो पहले बात आई थी चरम वृत्ति अज्ञान की निवृत्ति करती है, मैंने डिटेल में बताया था कि चरम वृत्ति जो अखंडाकार वृत्ति है वो अज्ञान की निवृत्ति करती है और स्वयं भी नष्ट हो जाती है। और फिर मधुसूदन सरस्वती ने इन तीनों इवेंट्स को, नंबर एक अखंडाकार वृत्ति, नंबर दो अज्ञान की निवृत्ति, नंबर तीन ब्रह्म का आविर्भाव, इन तीनों को साइमल्टेनियस बताया है, कोई एक दूसरे का हेतु नहीं कहा है। इसलिए वो जब शंकर ये कहते हैं ना कि उपासना यदि होगी तो वो अनुष्ठान सापेक्ष है, जबकि वो कहते यदि हम ब्रह्म परक वेदांत को मानेंगे तो ब्रह्म का ज्ञान होने के बाद जैसे याग इत्यादि का ज्योतिष होम का हमको ज्ञान हो गया तो वो उसको सिद्ध करने के लिए उसको उसका अनुष्ठान करना पड़ेगा जी। इसलिए जिज्ञासा ब्रह्म और धर्म जिज्ञासा में वैलक्षण ने बताया वहां कि धर्म का ज्ञान होने पर अनुष्ठान सापेक्ष है, वो ब्रह्म का ज्ञान होने पर अनुष्ठान की अपेक्षा नहीं होती।
अब वो ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा, इसमें विवरण और भामती स्कूल दोनों डिफरेंट अप्रोच हैं, पर दोनों की अप्रोच ये जरूर है कि ब्रह्म उपासना का विषय नहीं है, ब्रह्म उपास्य नहीं है। यही केन उपनिषद में बताया गया कि नेदम यदिदम उपासते, यानी वो ब्रह्म उपासना का विषय नहीं है। इसलिए उपासना परक वेदांत वाक्य माने जाएंगे तो ब्रह्म गौण हो जाएगा। शास्त्र प्रमाणक होने का ना का मतलब है शास्त्र का मुख्यतया, मतलब शास्त्र के द्वारा मुख्यतया प्रमाणित जैसे बलराम कह रहे हैं ना सर। हाँ। जैसे जैसे कारक जो है विधेय नहीं होता, क्रिया विधेय होती है ना, ऐसे ही ब्रह्मोपासना में तो ब्रह्म जो है कारक है, कर्म कारक है। ब्रह्म उपासितव्यम, तो कर्म कारक तो विधेय हो नहीं सकता ना, कारक कभी भी विधेय नहीं हो सकता है, ये है ना। और दूसरी बात जैसे सर कह रहे हैं सर, ब्रह्मावगति का ही एक हिस्सा है निधिध्यासन भी ना। किसका? जैसे कुछ लोग जैसे ब्रह्मावगति कहते हैं ना सर, ब्रह्मावगति का नहीं है हिस्सा वो। हाँ, मतलब दो दो धारणाएं है ना सर, एक तो वेदांतियों की धारणा है जो ये कहते हैं श्रवण मनन और निधिध्यासन के साथ ज्ञान पर्यवसित होता है। दूसरे लोग एक कहते हैं कि श्रवण और मनन से ब्रह्म ज्ञात हो जाता है, उस ज्ञात ब्रह्म में निधिध्यासन करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। तो ये लोग उपासना को नहीं नहीं, नहीं ये गड़बड़ कर रहे हो आप, ऐसा नहीं। नहीं सर, जैसा ना ऐसा जैसे क्या कहते हैं, ब्रह्म प्रथमं श्रुतं भवति अनंतरं ज्ञातं भवति तस्मिन् ज्ञाते ब्रह्मणि निधिध्यासनं करणीयम्, एक तो मत ये है। नहीं नहीं, ये वो परोक्ष ज्ञान की बात हो रही है। जब हमको ये जो श्रवण से हमको ब्रह्म के बारे में प्रमाण का संशय दूर हो जाता है उससे। हाँ, प्रमाण प्रमाण असंभव। और जिस समय ब्रह्म का ब्रह्म में जो प्रमेय संशय बना रहता है वो मनन से दूर होता है। जी जी, जी। लेकिन ये सब इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन है या रियलाइजेशन? हाँ, जी, जी, नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये प्रोसेस है वो। हाँ, लेकिन जो लोग ये मानते हैं ना सर, जो प्रोसेस को ब्रह्माविर्भाव के साथ कंफ्यूज कर रहे हो आप। नहीं, मैं वेदांतियों का मत नहीं कह रहा हूँ गुरु जी, वो मैं ये कह रहा हूँ जो लोग ये कहते हैं ना कि जो निधिध्यासन को उपासना मानते हो और वैदिक वाक्यों को उपासना परक जो मानते हैं ना। हाँ। वो लोग ऐसा कहते हैं कि श्रवणेन ब्रह्म श्रुतम भवति मननेन ब्रह्म मतम भवति मते श्रुते मते ब्रह्मणि निधिध्यासनम करणीयम, ऐसा वो कहते हैं। उसके बाद निधिध्यासन के बाद अपूर्व की उत्पत्ति होगी, उसके बाद मोक्ष लाभ होगा। ये जो मानते हैं ना उनका खंडन हो रहा है यहाँ पर। हाँ जी 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 जी, वो तो मैं जान ही रहा हूँ सर, क्योंकि वेदांत का तो ये मानना है ना सर कि निधिध्यासन के साथ, निधिध्यासन से इंटेलेक्चुअल कॉम्प्रिहेंशन होता है या अवगति वो होती है सर स्थिति? अवगति, अवगति तो ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म आविर्भाव है। अब पढ़ा नहीं था हमने वो? हाँ हाँ जी, तो इतना डिटेल में हमने बताया था ये इस पेज पर या तुम पता नहीं तुम उस क्लास में थे या नहीं थे? एक दिन में था नहीं ना। हाँ, हो सकता है। इस पर बड़ा डिटेल में चर्चा हुई थी। तो सर वो है ना कि ये पेज 89 पर। अच्छा जी, पेज 89 के ऊपर ये है, ये विचारस्य अध्यवसानम सवासना अविद्यो अविद्या द्वयोच्छेद ततो ही ब्रह्मावगतेर निर्वृत्ति आविर्भाव। ब्रह्मावगति ब्रह्म आविर्भाव है। इस पे बड़ी डिटेल में चर्चा हुई थी, वेदांत कल्प तरु ने इसको बहुत अच्छी तरह से समझाया। अच्छा अच्छा। हाँ, ये जो है शंकर का वाक्य है, वाक्यार्थ विचारणा अध्यवसान निर्वृत्ता ही ब्रह्मावगति, ना अनुमान आदि प्रमाणांतर निर्वृत्ता। ये 89 पेज पे पहली पंक्ति है, इसकी बहुत डिटेल में हम लोगों ने चर्चा की थी। बलराम भी उस समय नहीं थे जी। हाँ, और आप भी नहीं थे। साक्षात परोक्षात ब्रह्म जो है ना, वो इन इंटेलेक्चुअल से हो ही नहीं सकता। समझ ही नहीं, इंटेलेक्चुअल तो एक मात्र अंतःकरण की शुद्धि में आप उसको यूज कर सकते हो। वैसे इंटेलेक्चुअल का वो भाई हमको महर्षि रमन क्या कहते हैं, रियलाइजेशन का मतलब है यू हैव टू अनरियलाइज वाट ब्रह्मन इज नॉट, यू हैव टू अनरियलाइज। रियलाइजेशन तो रियलाइज तो तुम हमेशा ही हो।
वो स्थिति आपको, वो तो आपकी हमेशा बनी रहती है, मतलब जो जो रस्सी है ना वो तो जब सर्प की भ्रांति है तब भी है, उससे पहले भी थी उसके बाद भी रहेगी। मतलब मूल उद्देश्य जो है वो तो अविद्या का उच्छेद है। हाँ, अविद्या का उच्छेद है, अविद्या निवृत्ति मूल उद्देश्य है। श्रीमद् भागवत में गुरु जी कहा है निषेध शेषो जयता दशिक्षा। हाँ, निषेध से अवशिष्ट रहता है। हाँ, जरा तुम, आवाज तुम्हारी पूरी अच्छी तरह नहीं आ रही, बोले जरा। वो श्लोक है गुरु जी गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग का। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बताओ। सवई न देवा सुर मर्त तिर्यन न स्त्री न षड्ढो न पुमान न जंतु नायम गुण कर्म न सन्न चासन निषेध शेषो जयता दशेष। अच्छा अच्छा, निषेध शेषो जयता, ये ठीक बात है, निषेध शेष ही है भाई। देखो किसी तरीके से प्राप्त हो जाए वो स्वरूप तो बात अच्छी है। अपिच वेदांता नाम वेदत्वात् शास्त्रत्व प्रसिद्धि, वेदांत वेद होने के कारण इनमें ये शास्त्र माने जाते हैं। और प्रवृत्ति निवृत्ति पराणाम संदर्भाणाम शास्त्रत्वम, और ऐसे संदर्भ जो प्रवृत्ति निवृत्ति परक हो वही शास्त्र कहे जाते हैं। अब उसी पे जोर है ना ज्यादातर, प्रवृत्ति निवृत्ति। यथाहु निवृत्त प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसाम येन उपदिश्येत तच्छास्त्रम अभिधीयते। यानी नित्येन का मतलब है श्रुति और कृतकेन का मतलब है स्मृति। जिस श्रुति और स्मृति के द्वारा, ऐसी श्रुति स्मृति के द्वारा जिससे प्रवृत्ति और निवृत्ति का उपदेश किया जा रहा है पुरुषों के लिए, वह शास्त्र है। इसका मतलब प्रवृत्ति और निवृत्ति परखता होनी चाहिए, तभी उसमें शास्त्रत्व आएगा। और यदि हम उपनिषदों को, वेदांतों को प्रवृत्ति निवृत्ति परख नहीं मानेंगे तो उसमें शास्त्रत्व का व्याघात हो जाएगा। ये आगे कह रहे हैं, तस्मात शास्त्रत्व प्रसिद्ध्या व्याहतम एषाम स्वरूप परत्व। वेदांत शास्त्र हैं, इसलिए वेदांतों का स्वरूप परकता व्याहता, एषाम वेदांता नाम स्वरूप परत्व व्याहत। यानी ये वेदांत ब्रह्म स्वरूप परक हैं, ये बात इसी से खंडित हो जाती है कि वेदांत शास्त्र है। और शास्त्र वही होता है जो प्रवृत्ति और निवृत्ति का उपदेश करता है। इसलिए फिर अपिच ब्रह्म रूप प्रतिपादन पराणाम एषाम अर्थवत्तम पश्याम है। यानी वो जो सिद्धांति की तरफ से बात आ रही है कि भाई हम ये तो देखते हैं कि ब्रह्म रूप प्रतिपादन पराणाम, ब्रह्म रूप प्रतिपादक जो वेदांत हैं उनमें अर्थवत्ता देखते हैं हम। अपिच ब्रह्म रूप प्रतिपादन पराणाम एषाम अर्थवत्तम पश्याम। अब उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं, न रज्जुरियम न भुजंग इति कथा यथा कथंचित लक्षणया वाक्यार्थ तत्व निश्चये। जैसे ये रज्जु है भुजंग नहीं, जब हमको किसी प्रकार से इसका वाक्यार्थ का ज्ञान हो जाता है तब भय और भय कंप इत्यादि की निवृत्ति हो जाती है। तो ये भी अपने आप में एक सिद्धार्थपरक वाक्य है ना, रज्जुरियम न भुजंग, वाक्यार्थ का हमको ज्ञान हो गया कि भाई ये भुजंग नहीं है, एक रस्सी है और उसको हम भुजंग समझ करके परेशान हो रहे थे, हमको हम भय से डर से कांप रहे थे। तो जैसे रज्जुरियम न भुजंग इस वाक्य से वाक्यार्थ तत्व का निश्चय हो जाने पर भय कंपादि की निवृत्ति हो जाती है, एवं तत्वमसी इति वाक्यार्थ अवगमात। इसी प्रकार तत्वमसी इस वाक्यार्थ के ज्ञान से सांसारिकाणाम धर्माणाम निवृत्तिर्भवति। सांसारिक धर्मों की निवृत्ति हो जाती है, आदमी संसार से मुक्त हो जाता है। तो श्रुत वाक्यार्थस्यापि पुंसः तेषां तादवस्थ्यात्। परंतु जो श्रुत वाक्य, जिसको वाक्य का अर्थ ज्ञान हो गया है, जैसे रज्जु रज्जुरियम न भुजंग, ये ज्ञान होने पर भी
वो तो ठीक है, भय कंपादी की निवृत्ति हुई, परंतु तत्वमसि इत्यादि से जो ज्ञान हो जाता है किसी व्यक्ति को, फिर भी वो ज्ञान होने के बाद बिल्कुल सांसारिक धर्मों से वैसे ही युक्त रहता है, ये कह रहे हैं। श्रुत वाक्यार्थस्यापि पुंसत तेषां तादवस्थ्यात्, वो वैसे तादवस्थ्यात का मतलब सांसारिक धर्मों से ग्रस्त रहते हैं। तत्वमसि वाक्य से ज्ञान हो जाने के बाद भी व्यक्तियों में सांसारिक धर्म, पूर्व पक्षी कह रहा है कि इसलिए रज्जुरियम न भुजंग, इससे जैसे ज्ञान हो जाता है, वो जो दृष्टांत है वो उसमें नहीं घटता जिसको तत्वमसि इत्यादि से ज्ञान होने के बाद जिसमें सांसारिक धर्मों का फिर भी अस्तित्व बना रहता है। नचा जो है शुरू में जो दिया है सर, उसका अन्वय यहाँ पर आकर होगा, है ना? जो नचा शुरू में दिया है, हाँ हाँ, उसका अन्वय यहाँ होगा ना कि नच निवृत्तिर भवति सांसारिकाणाम धर्माणाम। हाँ हाँ ठीक। अपि च यदि श्रुत, एक दूसरा और तर्क दे रहे हैं, यदि श्रुत ब्रह्मणो भवति सांसारिक धर्म निवृत्ति ही, यदि ब्रह्म का जिसको ज्ञान हो गया है श्रवण से, तो तत्वमसि इत्यादि वाक्य से, यदि उसकी, ये पूर्व पक्षी कह रहा है कि यदि उसको ज्ञान हो गया है तत्वमसि वाक्य से और उसके सांसारिक धर्मों की निवृत्ति हो गई है, तो कस्मात् पुनः श्रवण से उपरी मननादय श्रूयन्ते, तो श्रवण के बाद मनन निधि ध्यासन की फिर क्या जरूरत है? यदि ब्रह्म के ज्ञान श्रुत ब्रह्मणों तत्वमसि वाक्य सुनने के बाद ब्रह्म का ज्ञान जिसको हो गया है और उसकी सांसारिक धर्म निवृत्ति हो गई है, तो फिर श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन क्यों कहे जा रहे हैं? तो इसलिए तस्मात् तेषां वैयथ्य प्रसंगात्, तो मनन और निधिध्यासन की व्यर्थता आ पड़ती है, इसलिए न ब्रह्म स्वरूप परा वेदांता, इसलिए वेदांत ब्रह्म स्वरूप परक नहीं है। क्यों? किंतु आत्म प्रतिपत्ति विषय कार्य परा, किंतु आत्म प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति माने उपासना, आत्मोपासना विषय विषय रूप कार्य है जिसका, ऐसे वेदांत हैं। आत्म प्रतिपत्ति विषय कार्य परा, आत्म प्रतिपत्ति विषय, आत्म प्रतिपत्ति विषय है जिसका, ऐसे कार्य परक है वेदांत। तो ये प्रतिपत्ति विषय कार्य का विशेषण हो जाएगा ना, प्रतिपत्ति विषय है जिसका ऐसा कार्य, तत्परक वेदांत वाक्य है। किंतु आत्म आत्म प्रतिपत्ति विषय कार्य परा वेदांतः न ब्रह्म स्वरूप परा। क्यों? क्योंकि श्रवण के बाद मनन और निधिध्यासन का भी उपदेश किया हुआ है, उसका भी हमको ज्ञान होता है, और तच्च कार्यम, और वो कार्य, वो उपासना रूप कार्य, स्वात्मनि नियोज्यम नियुंजानम नियोग इति च मानांतरापूर्वतया अपूर्वम इति च आख्यायते। और वो कार्य नियोज्य को अपने में व्यापृत करता है, तच्च कार्यम स्वात्मनि, यानी कार्य अपने में नियोज्य को नियुक्त करता है, यानी नियोज्य को व्यापृत करता है, इसलिए, क्योंकि वो नियोज्य को अपने में लगाता है, इसलिए वह कार्य नियोग कहा जाता है। तच्च कार्यम स्वात्मनि नियोज्यम नियुंजानम, ये कार्य का विशेषण हो गया ना, नियुंजानम कार्यम, क्योंकि वो अपने में लगाता है कार्य नियोज्य को, इसलिए उसको नियोग कहते हैं। और वो नियोग मानंतरापूर्वत है, किसी और प्रमाण से वो उपलब्ध नहीं होता, इसलिए उसी नियोग को अपूर्व भी कहते हैं। बिल्कुल प्रभाकर की फिलॉसफी चल रही है ना। तच्च कार्यम स्वात्मनि नियोज्यम नियुंजानम नियोग इति च
और मानांतरा पूर्वतया अपूर्वम इति च आख्यायते। प्रभाकर नियोग अपूर्व और सबको कार्य पर हम मानते हैं, वही उन्हीं का ये मत है ना, कार्य और कार्यान्वित में शक्ति होती है शब्द की, सिद्ध परख में नहीं होती, ये प्रभाकर का ही मत है। और प्रभाकर का ये मत किसी ये आचार्य देशीय से इसकी इसका संबंध है, इसको जरा आप खोज कीजिए, निकाल के लाइए किसके है। क्यों भाई रामनाथ, रामनाथ जी सर बिल्कुल करेंगे सर। हाँ इसको इसको जरा खोजो। वैसे ये हरियाणा का आर्टिकल जरूर देखना है, भारतीय प्रपंच में अच्छा आर्टिकल है वो, बहुत दिन पहले पढ़ा मैंने, अब ध्यान नहीं है मुझे। जी जी शायद इंडियन हिस्टोरिक, इंडियन हिस्टोरिक क्वार्टरली ऐसा कुछ IHQ में। अच्छा अच्छा नचे विषयानुष्ठानम बिना तत्सिद्धि। और सर भर्तृ प्रपंच फॉरगॉटन मीमांसका ऐसा कुछ करके जो हैं भर्तृ प्रपंच फॉरगॉटन मीमांसका, ये उसका बता रहे हैं आप, मुझे लग रहा है उसका टाइटल भी ये थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा ठीक, मैं देखूंगा, मेरे पास यदि पढ़ा होगा तो बताऊंगा अगली बार। नचे विषयानुष्ठानम बिना तत्सिद्धि, और विषय के अनुष्ठान के बिना उसकी सिद्धि नहीं होती। सिद्धि माने कार्य की, तत् माने कार्य। कार्य तो तब होगा ना, जैसे मान लो हम कहते हैं उपासना करो, तो उपासना या हम कहते हैं ज्योतिषोमेन यजेत स्वर्ग काम, तो जब तक हम ज्योतिषोम याग को नहीं कर लेंगे तब तक वो कार्य सिद्ध थोड़ी होगा। तो कार्य अपने विषय के अनुष्ठान पर उस अपने स्वरूप का लाभ करता है। नचे विषयानुष्ठानम बिना तत्सिद्धि इति स्वसिद्ध्यर्थम तदेव कार्यम, वो अपनी सिद्धि के लिए वह कार्य, तदेव कार्यम स्वविषयस्य करणस्य आत्मज्ञानस्य अनुष्ठानम आक्षेपति। स्वविषयस्य करणस्य, करणस्य करणस्य आत्मज्ञानस्य, ये करणस्य आत्मज्ञान आत्मज्ञान रूप करण से, या आत्मोपासन, आत्मोपासना रूप करण से, तो उसके अनुष्ठान के बिना वो कार्य सिद्ध नहीं होगा। इसलिए आत्मोपासना जो रूप कार्य है वो जब तक आत्मोपासना नहीं कर ली जाएगी तब तक आत्मानम उपासित ये जो कार्य कहा जा रहा है वो सिद्ध नहीं होगा। इसलिए उसका वो आक्षेप करता है कार्य। कार्य अपनी सिद्धि के लिए आत्मज्ञान रूप करण के अनुष्ठान का आक्षेप करता है। आत्मज्ञान यानी आत्मोपासना रूप जो करण है उसके अनुष्ठान का आक्षेप करता है कार्य अपनी सिद्धि के लिए। और क्योंकि यथाच कार्यम स्वविषयाधीन निरूपणम, वो जो कार्य है अपने विषय के अधीन है, जैसे ज्योतिषोम यागादि जो कार्य वहां पर कहा जा रहा है तो यागादि के अधीन ही है वो, और यहां पर वो ज्ञान को कह रहे हैं तो ज्ञानेन, ज्ञान का मतलब यहां पर उपासना। यथाच कार्यम स्वविषयाधीन निरूपणम इति, क्योंकि कार्य अपने विषय के अधीन निरूपित होता है, उसका स्वरूप अपने विषय के अधीन होता है, इसलिए ज्ञानेन विषयेन निरूप्यते। ज्ञानेन का मतलब है यहाँ उपासना, इसलिए वो कार्य अपने उपासना रूपी विषय से निरूपित होता है, उपासना रूपी विषय से निरूपित होता है। और वो उपासना भी एवं च ज्ञानमपि, ज्ञानमपि का मतलब उपासनमपि या उपासना भी, स्वविषयम आत्मज्ञानम अंतरेण अशक्य निरूपणम, उसका निरूपण उसका स्वरूप निरूपित तब तक नहीं हो सकता कि जब वे अपने विषय आत्मा का ज्ञान न करा दे। तो कार्य का विषय उपासना हो गई और उपासना का निरूपण हो गया उपासना का जो विषय है, और वो उपासना का विषय यहां पर है आत्मा। तो तन निरूपण आए
तादृशम आत्मानम आक्षेपति, और वो ज्ञान माने वो उपासना स्वविषयम आत्मानम अंतरेण अशक्य निरूपणम, वह ज्ञान अपने विषय उपासना का अपना विषय आत्मा, उस आत्मा के बिना उस उपासना का निरूपण संभव नहीं है। इसलिए उपासना के स्वरूप का ज्ञान करने के लिए तादृश आत्मानम आक्षिप्ति, आत्मा का आक्षेप हो रहा है, यानी आत्मा का ज्ञान भी अपेक्षित है वहां पर। तो इसका मतलब यह हो उपासना, आत्मा की उपासना और आत्मा की उपासना को के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए आत्मा के स्वरूप का भी समर्पण, आत्मा के स्वरूप का भी प्रतिपादन होना चाहिए। तदेव कार्यम, और वो जो आत्मा है ना, उस आत्मा को भी ये कार्य कह रहे हैं यहां पर, जरा ध्यान दीजिएगा। उपासना भी कार्य है और उपासना का विषय जो है वो उसको भी कार्य की कैटेगरी में ला रहे हैं, और उसके लिए शास्त्र का वाक्य प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं आगे। यथाहु यत्तु तत्सिद्ध्यर्थम उपादीयते आक्षिप्यते, यानी उस कार्य की सिद्धि के लिए, यहाँ तत् का मतलब यहाँ उपासना ले लीजिए, यत्तु तत्सिद्ध्यर्थम माने उपासना की सिद्धि के लिए जिसका उपादान किया जा रहा है, जिसका आक्षेप किया जा रहा है, तदपि, तदपि का मतलब यहाँ पर आत्मा ले लो, तदपि विधेयम, वो भी विधेय है, ऐसा शास्त्र में व्यवहार होता है। तो उपासना भी विधेय हो गई और उपासना के लिए जो आत्मा है वो भी विधेय हो गई। ये कहा ना यत्तु तत्सिद्ध्यर्थम उपादीयते आक्षिप्यते तदपि विधेयमिति तंत्रे व्यवहार। विधेयता च नियोग विषयस्य ज्ञानस्य भावार्थतया अनुष्ठेयता तद विषयस्य च तु आत्मनः स्वरूप सत्ता विनिश्चिति। विधेयता देखो दोनों पे लागू हो रही है, ध्यान देना। विधेयता च नियोग विषयस्य ज्ञानस्य, नियोग विषय, नियोग का विषय क्या है? ज्ञान है, ज्ञान माने उपासना है, और भावार्थतया माने वो धात्वर्थ के रूप में उसमें अनुष्ठेयता बनती है। तो विधेयता क्या हुई? भावार्थतया अनुष्ठेयता ही विधेयता है। एक तो विधेयता ये हो गई कि जिस किसी का हम अनुष्ठान कर रहे हैं वो पूरी प्रोसेस या वो पूरी स्थिति विधेयता है। दूसरा, उस अनुष्ठान के लिए जिसका ज्ञान हम और कर रहे हैं, जैसे आत्मा इत्यादि का, वो आत्मा के स्वरूप, आत्मा की निश्चित, आत्मा का निश्चित ज्ञान भी विधेयता है, ये कहना चाह रहे हैं। विधेयता च नियोग विषयस्य ज्ञानस्य भावार्थतया अनुष्ठेयता तद विषयस्य तु आत्मना स्वरूप सत्ता विनिश्चिति, और आत्मा के स्वरूप सत्ता की विनिश्चिति भी विधेयता की कैटेगरी में, उपासना और उपासना का विषय। नियोग, नियोग हो गया उपासना, और उपासना का विषय हो गया आत्मा। आत्मा जब, वो उपासना तब तक नहीं हो सकती जब तक कि आत्मा का वहां पर हमारे को ज्ञान नहीं होगा। तो मुख्यतया वेदांत उपासना परक है, और उपासना की सिद्धि के लिए ब्रह्म का समर्पण वेदांत करते हैं, ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। बलराम जी, ये जो है ना सेंटेंस जी, विधेयता च नियोग विषयस्य ज्ञानस्य भावार्थतया अनुष्ठेयता, हेलो जी, हाँ हाँ जी, ये मुझे स्क्रीन पे अभी ऐसा आया था कि यू हैव बीन साइंड आउट, पर हम तो साइंड ने हैं, साइंड इन है, क्योंकि ये जो है ना, ये जो जूम का जो सब्सक्रिप्शन है, इसमें जैसे मेरा एक पोता वो भी
पार्टिसिपेट करता है, मेरी बेटी भी पार्टिसिपेट करती है जब जब उस सब्सक्रिप्शन के लिए। तो मान लो भूल से कभी वो इसको जूम को क्लिक कर दें वहां पर अपने लैपटॉप पे या पीसी पर, तो मेरे को यहाँ पर एकदम स्क्रीन पे ही आ जाता है यू हैव बीन साइंड आउट। तो फिर एकदम, क्योंकि मैं फोन करने वाला था, मैंने कभी किसने साइन इन किया है, तो एकदम फिर लगा कि चला गया वो। समझ आ रही है बात मेरी जूम के सब्सक्रिप्शन की? जी। अभी जैसे मैं बोला था ना बलराम सुनना, तो बलराम को जैसे मैं सुनने का, तो एकदम मेरे स्क्रीन पर आ गया यू हैव बीन साइंड आउट। तो मैं रिसीवर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया तो इसलिए वो चला गया। हाँ, मैं ये पूछ रहा था बलराम, ये जो इसका अर्थ है ना जी, विधेयता चे नियोग विषयस्य ज्ञानस्य भावार्थतया अनुष्ठेयता, ज्ञान की अनुष्ठेयता ही विधेयता है, उपासना की अनुष्ठेयता ही विधेयता है जी। लेकिन कैसे भावार्थतया का मतलब है धात्वर्थ के रूप में है ना उपासना, उपासित। हाँ, तो उसके इसलिए वो ज्ञान की अनुष्ठेयता ही विधेयता है जी। और दूसरा फिर वो के तद विषयस्य तु आत्मन स्वरूप, और जो तद विषय यानी कि उपासना विषय आत्मा, उसकी स्वरूप सत्ता विनिश्चिति भी विधेय है, क्योंकि ऊपर आ रहा है ना ये तत्थम उपाधीयते आक्षिप्ते तदपि विधेयम् इति तंत्रे व्यवहार। क्योंकि तो वो कार्य के प्रति, हाँ, कार्य के प्रति गौण हो गया, उसकी स्वरूप सत्ता विनिश्चित भी कार्य के प्रति गौण हुई, इसलिए कार्यतया ही वो ज्ञात हो रही है। हाँ, ये तो विधेयता, विधेयता च नियोग विषयस्य ज्ञानस्य भावार्थतया अनुष्ठेयता तद विषयस्य तु आत्मन स्वरूप सत्ता विनिश्चिति। अच्छा, और एक बात कह रहे हैं वो, ये जो उपासना होती है ना, ये आप स्वरूप जो आत्मा शुद्ध आत्मा के समर्पण की बात न करके आरोपित तद्भावस्य तु अन्यस्य निरूपकत्वे तेन तन निरूपितं न स्यात्। ये जैसे वाचम धेनु उपासित, यानी कि हम वाणी को धेनु के रूप में उपासना करते हैं, ऐसा आता है उपनिषदों में। तो यहां पर धेनु आरोपित हो रही है ना वाक पे, तो धेनु उपासित वाणी में आरोपित करके, इसी प्रकार आत्मा का यदि हम आरोप कर दें किसी में और उसकी उपासना मान लें, तो भी तो आत्मा का समर्पण हो सकता है वेदांतों के द्वारा। उस बात को ये कह रहे हैं कि आरोपित तद्भावस्य, यदि आरोपित आत्मा का हम उपासना का विषय बना ले, आरोपित आत्मभाव जिसमें हुआ है उसको, जैसे वाचम धेनु उपासित में हम वाणी की धेनु के रूप में उपासना करें, ऐसे आता है उपनिषदों में, मना ब्रह्म इत्युपासित, अन्न को ब्रह्म के तौर पे या जैसे। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि यदि आरोपित आत्मभाव की उपासना को आप अनुष्ठेयता के रूप में मानोगे, तो वो वास्तव में आत्मा, आत्मा शुद्ध आत्मा, निर्गुण आत्मा, वो निरूपित नहीं हो पाएगी। आरोपित तद्भावस्य तु अन्यस्य, यदि आरोपित तद्भाव यानी आरोपित आत्मभाव जिसमें है उसको यदि आप उपासना का विषय मान लोगे, तो वो विषय अपने आप में क्योंकि आरोपित है, उसके निरूपक होने पर जो वास्तव में आत्मा है वो निरूपित नहीं हो पाएगी। इसलिए आत्मा ने स्वरूप सत्ता विनिश्चिति नहीं हो पाई, आत्मा आत्मा की स्वरूप सत्ता विनिश्चित विनिश्चित यानी उसका विनिश्चित ज्ञान तो तभी हो पाएगा जबकि आत्मा जैसे उपनिषद में है नित्य शुद्ध बुद्ध, वही यदि उपासना का विषय बने तब उस आत्मा के स्वरूप का निश्चित ज्ञान हो पाएगा।
यदि आरोपित तद्भाव को हम उसका निरूपक बना लेंगे, उपासना का निरूपक बना लेंगे, तो फिर वास्तव में हमको आत्मा के स्वरूप का ज्ञान वास्तविक रूप में नहीं हो पाएगा। ये सेंटेंस समझ आया? आरोपित तद्भावस्य तु अन्यस्य, यदि आत्मभाव जिसमें आरोपित है किसी अन्य को हम उस उपासना का विषय बना लें और उस विषय को निरूपक मान लें उपासना का, तो वो आत्मा, वो जो उपासना है शुद्ध आत्म विषय नहीं हो पाएगी। आत्मा वो उपासना शुद्ध आत्म विषय तभी हो पाएगी जबकि हम शुद्ध आत्मा को ही निरूपक माने। आत्मभाव जिसमें आरोपित है उसको विषय न माने उपासना का, क्योंकि आरोपित को यदि आप निरूपक मान लोगे तो आपको जो शुद्ध आत्मा है उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। ये पॉइंट बात समझ में आ रही? जी, लेकिन इसका प्रसंग इस पिछले वाक्य के तुरंत बाद, ये इसलिए है वो ये उन्हें को ये कह दे कि भाई यहाँ पर उपासना तो आरोपित में भी हो सकती है। हाँ हाँ, उपासना तो गौण की भी। हाँ बिल्कुल, उपासना जैसे मनोब्रह्म में इत्युपासी, वो तो गौण की भी हो सकती है जी। तो गौण की हो सकती है, तो उस आशंका का निवारण कर रहे हैं जी, इसलिए ऐसा दिया। आरोपित तद्भावस्य तु अन्यस्य निरूपकत्वे तेन तन निरूपितम न स्यात्, इसलिए आगे चल रहे हैं ना वो, तस्मात् तादृक आत्म प्रतिपत्ति विधि परेभ्यो। तादृक माने जो वास्तविक आत्मा है उसकी उपासना विधि परक है वेदांत। तस्मात् तादृक आत्म प्रतिपत्ति विधि परेभ्यो, तादृक का मतलब आरोपित तद्भाव वाली आत्मा से भिन्न आत्मा यानी शुद्ध आत्मा। तस्मात् तादृक आत्म प्रतिपत्ति विधि परेभ्यो वेदांतेभ्य तादृक आत्म विनिश्चय, वैसे ही आत्मा को जो शुद्ध आत्मा है उसका विनिश्चय होगा, उसी को एक्सप्लेन करें स्वरूप सत्ता विनिश्चिति। तो बीच में उपासना में, क्योंकि आरोपित में भी उपासना हो सकती है, उस आशंका का निवारण करने के लिए ये ऐसा कह रहे हैं। शुद्ध जो आत्मा है हाँ, उसके उपासना परक वाक्य की सहायता से हम शुद्ध आत्मा का भी निश्चय कर सकते हैं। हाँ एग्जैक्टली, यदि आप आरोपित आत्मा का को विषय मान लोगे तो आत्मा का भी निश्चय ठीक से नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, तो मतलब ये जो पूर्व पक्षी है वो सिद्धांति की तरफ से बात कह रहा है कि कहीं आप ये इतना कह लो कि भाई आरोपित की भी उपासना हो सकती है इसलिए शुद्ध की नहीं होगी, तो वो कह रहे हैं कि उपासना यदि है तो वो शुद्ध की ही है, ब्रह्म की ही है, आरोपित तद्भाव की नहीं है। तस्मात् तादृक, तभी तो वो ये पूर्व पक्ष कह रहा है ना अपनी तरफ से, तस्मात् तादृक प्रतिपत्ति विधि परिभ्यो वेदांतिभ्य तादृक आत्म विनिश्चय शुद्ध तदेतत् सर्वम्। यानी ब्रह्म जो है उसका आरोपित जी आरोपित तद्भाव के रूप में भी उसकी उपासना हमें मतलब उपनिषदों में मिलती है, लेकिन ये जो तादृक आत्म प्रतिपत्ति विधि है उस वो सहायक होंगे वस्तुतः ब्रह्म के वस्तुतः आत्मा के विनिश्चय में। हाँ, ये कहना चाहते, तो सिद्धांत पक्ष की तरफ से कोई आशंका आने वाली है उसका भी निवारण कर दिया ना पूर्व पक्ष ने अपने पक्ष को निश्चित करने के लिए। तद एतत् सर्वम् आहा, ये अभी आ रही है ना, तद एतत् सर्वम् यद्यपि से आ रहा है, यद्यपि देखो इसमें ये 108 पृष्ठ पर है भाष्य में, यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम् ब्रह्म अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते, मानी वो जो आचार्य देशी है वो कन्फ्रंट कर रहे हैं ना सिद्धांति को, यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम् ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतैव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते, इस बात को एक्सप्लेन कर रहे हैं। यद्यपि आचार्य देशी कह रहे हैं यद्यपि शास्त्र प्रमाणक है ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयतैव
उपासना विधि का विषय के रूप में ही शास्त्र समर्पित हो रहा है वेदांतों के द्वारा। समझ आया ये? हेलो जी सर, क्लियर है? क्लियर है हाँ। और हाथ नहीं भर रहे ना दूसरे? जी 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 सर, क्लियर है, क्लियर है। अली वो जो इन्होंने बलराम जी ने प्रश्न उठाया था ना, हाँ, कि शास्त्र प्रमाणक तो फिर भी है ब्रह्म, तो वो ये कह रहे हैं ना कि शास्त्र प्रमाणक तो है, ओके, हाँ, लेकिन वो शास्त्र प्रमाणक इसलिए इस दृष्टि से है, इस दृष्टि से है, बिल्कुल बिल्कुल। यानी शास्त्र जो है ब्रह्म को गौणतया, ब्रह्म के स्वरूप को गौणतया प्रमाणित करते हैं, हाँ, और उसके प्रतिपत्ति विधि को मुख्यतः करते हैं, मुख्य मुख्य जी, जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये भी बात है ना सर, कथन कथन एक बात है, विधान एक बात है, हाँ, तो ब्रह्म का कथन तो करते ही है ना। हाँ, ब्रह्म का कथन तो करते, ब्रह्म का कथन तो करते हैं, लेकिन वो अंग के रूप में कर रहे हैं, शेष के रूप में कर रहे हैं, उपासना विधि विषय तैयार कर रहे हैं, इसलिए तो कह रहे हैं कि वो ब्रह्म भी उस समय कार्य ही है, कार्यतया ही, वो जो कहा जैसे उसमें कि भाई यत्तु तत्सिद्ध्यर्थम उपादीयते आक्षिप्यते तदपि विधेयम्। जी वो विधेय विधेय की कैटेगरी में ले आए ब्रह्म को भी, ब्रह्म का स्वरूप भी ब्रह्मोपासना कार्य का अंग हो गया। हाँ, और सिद्धांती इस बात को मान नहीं सकता, क्योंकि वो तुरंत जो है ब्रह्म अनित्य हो जाएगा फिर। हाँ, बस बस बस, वो जो यही बारी बात है, अब कार्य का विषय होने के नाते अनित्य हो जाएगा क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी भाई, अगर उपासना से प्राप्त होता है ब्रह्म, तो इसका मतलब है कि क्रिया से प्राप्त होता है। हाँ, वो इसलिए तो कहते हैं ना ब्रह्म उपास्य नहीं है, अभी तो मैं बता रहा था ना, यू हैव टू अनरियलाइज नॉट रियलाइज। आगे देखो ये तद एतत् सर्वम् विधि परेभ्यो भी वस्तु तत्व निश्चय इत्यत्र निदर्शनम् उक्तम्। विधि परख जो वाक्य हैं उनसे भी वस्तु तत्व का निश्चय हो जाता है। यहाँ पर अब दृष्टांत दे रहे हैं, यथा यूप आहवनीयादीन्यलौकिकान्यपि विधि शेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते तद्वत्। अब कह रहे हैं ये देखो भैया, यूपे पशुम बधनाति, अब यूपे पशुम बधनाति ये जो वाक्य है इसमें बंधन के लिए जो बंधनाए विनियुक्त यूपे जो विधान किया गया है ना यूप के, यूप बंधन का, कि पशु को यूप में बांधो, ये विधान किया है। तो अब ये होता है कि भाई वो यूप तो अलौकिक है, तस्य अलौकिकत्वात् को असौ यूप, और फिर यदि वो अलौकिक है तो फिर उसके स्वरूप को जानने की व्यक्ति जो अधिकारी है वो उसके स्वरूप को जानना चाहता है, तब फिर उसके लिए फिर शास्त्र कहता खादिरो युपो भवती, भाई खदिर का युप बनाना चाहिए, खदिर की लकड़ी का, खैर की लकड़ी का, खादिरो युपो भवती। और आगे ये जो विधान किए हुए हैं यूपम तक्षति, उस खदिर की लकड़ी को फिर वो जो तक्षक है उसका तक्षण करता है, अष्टाश्री करोति फिर उसको आठ कोनों वाला बनाता है, इत्यादि भी वाक्य तक्षणादि विधि परई, ये तक्षणादि विधि परक वाक्य हैं। अच्छा, इन विधि परक वाक्यों से भी जैसे वो पशु यूपे पशु बधनाती, तो हमको संस्काराविष्टम विशिष्ट संस्थानम दारु यूप इति गम्यते, संस्कार से आविष्ट और एक विशिष्ट शेप वाली जो दारु है उसको यूप कहते हैं। तो यहाँ यूप का समर्पण हो गया ना, यहाँ विधिपरक वाक्य में विधिपरक वाक्य से जो विधिपरक वाक्य के विषय हैं उस विषय का हमको स्वरूप निश्चित हो गया, और वो स्वरूप निश्चय कराने के लिए शास्त्र हमारे को ये कहता है खादिरो यूपो भक्ति यूपम तक्षति यूपम अष्टाश्री करोति। ऐसे ही आत्मान उपासित में भी वो विधि परक है, तो आत्मा का किसका हम किसकी उपासना करें तो उसका स्वरूप समर्पण वेदांतों के द्वारा हो रहा है। तभी ये कह रहे हैं ना कि
विधि परिभ्योपी वस्तु तत्व निश्चय इत्यत्र निदर्शनम् उक्तम्। तो दृष्टांत दे रहे हैं ये, यूप आहविनी आदीनि अलौकिकान्यपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते। तो यूप का स्वरूप समर्पित होगा शास्त्र के द्वारा। इसी प्रकार एवं आहवनी आदयोपि अवगंतव्य। अब वेदांत कल्पतरु में दिया ये, यद आहवनीय जुहोति जुब्वती। अब यहाँ ये विधान होने पर अब ये हमको जिज्ञासा होती है क आहवनीय, भाई आहवनीय क्या चीज होती है, आहवनीय अग्नि का स्वरूप क्या है। तो फिर शास्त्र बताता है वसंते ब्राह्मणों अग्नि नादधीत, वसंत में ब्राह्मण अग्नि का आधान करे और विशेष संस्कारों से उसको युक्त करके उसको है ना संस्कार विशिष्टो अग्निर आहवनीयो गम्यते। और इसी प्रकार अपूर्व देवता स्वर्ग आदि भी विधि परक वाक्यों से ही शास्त्रों से ही समर्थित होते हैं। समझ आ रहा है ना ये, तो कि ये कि यूप का आहवनीय इत्यादि का जो अलौकिक हैं उनका शास्त्र के द्वारा उनके स्वरूप का समर्पण होता है विधिशेषतया, विधिशेष के रूप में। इसी प्रकार ब्रह्म उपासना के लिए भी ब्रह्म विधिशेष रूप में समर्पित हो जाएगा वेदांतों के द्वारा। कुतैतत् माने ऐसा भाई कैसे, क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वा शास्त्रस्य। शास्त्र तो क्या है, उसका प्रवृत्ति निवृत्ति ही प्रयोजन है शास्त्र का, या तो प्रवृत्ति प्रयोजन होगा या निवृत्ति प्रयोजन होगा। तथा ही और उदाहरण दे रहे हैं, तथा ही शास्त्र तात्पर्य विद आहु दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम्। अब शास्त्र का जो प्रयोजन है वो बता रहे हैं कि कर्म का बोध कराना ही शास्त्र का तात्पर्य है। सर एक सवाल ये है, बिमली जी कह रहे थे कि प्रवृत्ति निवृत्ति जो है वो तो भाट लोग मानते हैं और नियोग जो है वो प्रभाकर मानते हैं, तो आप चाहें तो लास्ट में थोड़ा दो मिनट अगर इसको एक्सप्लेन कर दें भाई, ये इनमें फर्क क्या है नियोग में और प्रवृत्ति निवृत्ति। नहीं, प्रवृत्ति और नियोग का मतलब तो वहां पर ये होता है, नियोग के अंदर कोई फल वगैरह की कामना नहीं होती। अच्छा, यू हैव टू डू, क्योंकि शास्त्र कह रहा है, दैट्स ऑल। और इस नियोग को जो है ना कांट के कैटेगोरिकल इंपेरेटिव से ज्यादा तुलना की जाती है। ठीक है, हाँ। बस ये आपकी ड्यूटी है, यू हैव टू डू इट। अच्छा, परंतु प्रवृत्ति निवृत्ति में वह प्रयोजन आ जाता है, तो जो इसका ये वो कैटेगोरिकल इंपेरेटिव से हट जाता है थोड़ा, वो मतलब जैसे स्वर्ग काम हो गया उसमें से। है? स्वर्ग काम, हाँ, वो मतलब वहां पर अधिकारी उसका वो है जी। राहकर का जोर इस बात पर है कि शास्त्र ये कह रहा है, ये यू हैव टू डू इट, दैट्स ऑल। अच्छा, तो नियोग में, नियोग एक बड़ी ऊंचा कॉन्सेप्ट है, प्रवृत्ति निवृत्ति फिर भी मुझे उससे थोड़ा निम्न कैटेगरी का लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। पर ये तो मैंने देखा पढ़ा भी है कि नियोग की कैटेगरिकल इंपेरेटिव कांट का है ना, ये ड्यूटी इज फॉर ड्यूटी सेक, ड्यूटी है भाई तुम्हें करनी है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनी रिजल्ट। ये गुरुजी नियोग निष्काम भाव से किया जाता है। हाँ जी, मेरा क्या उस पे ये ज्यादा जोर है उस पे, इसलिए वो कॉन्सेप्ट जो है प्रभाकर का, वो जो वेस्टर्न फिलोसोफर है वो उसके कांट के इसके कैटेगरी इंपेरेटिव के साथ जोड़ देते हैं। मुझे भी बहुत बहुत पुरानी बात है ये, एक थी ऐसी लड़की उसका फिलॉसफी डिपार्टमेंट की, जिसका मैं एमफिल में जॉइंट सुपरवाइजर था, और वो था नियो एंड कांट्स कैटेगरिकल इंपेरेटिव, ये उसका एमफिल का टॉपिक था। ठीक है, हाँ। तो चोदनेति क्रियाया प्रवर्तकम वचनम, ये क्रिया का प्रवर्तक वचन, मतलब
वाक्य ज्ञान द्वारा क्रिया का प्रवर्तक है ये उसे चोदना कहते हैं। तस्य ज्ञानम उपदेशः, तस्य ज्ञानम उपदेश का ये अर्थ है तस्य ये धर्मस्य, ये मैं अर्थ बता रहा हूं इसका भाष्य रत्न प्रभा के हिसाब से। भाष्य रत्न प्रभा में तस्य ज्ञानम उपदेश का ये अर्थ किया है तस्य धर्मस्य ज्ञापकम अपौरुषेय विधि वाक्यम उपदेशः। तस्य धर्मस्य ज्ञानम का अर्थ यहां पर ज्ञापक लिया है, ज्ञान कराने वाला, ज्ञायते अनेनेति इस सेंस में। तस्य धर्मस्य ज्ञापकम अपौरुषेय विधि वाक्यम उपदेशः, अर्थात वही कि वही उसका प्रयोजन क्या है, विधि ही है तो शास्त्र यही कहता है। शास्त्र का प्रयोजन क्या, उपदेश है, उपदेश क्या है, विधि वाक्य है, और वो धर्म के लिए आपको प्रेरित करता है कि आप धर्म का अनुष्ठान कीजिए। तद भूतानाम क्रियार्थेन समामनाय, तद भूतानाम का वेदांत कल्पतरु में ये अर्थ दिया है तत्तेषु पदार्थेषु भूतानाम वर्तमानानाम क्रिया कार्यम तदर्थत्वेन समामनाय समुच्चारणम। यानी वो जो जो भूत पदार्थ हैं उनका क्रिया के साथ उच्चारण, तदर्थेन समामनाय माने समुच्चारणम, क्रिया के साथ उनका उच्चारण, तद्भूतानाम क्रियार्थेन समामनाय, यानी उन उन पदार्थों का क्रिया के साथ उच्चारण, अर्थात वो भी क्रिया से अन्वित होने चाहिए। ऐसे ये काफी पॉपुलर आया भी था, आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम् तदर्थानाम, यहीं से शुरू भी बात हुई थी कि आमनाय क्रियार्थक ही है और जो क्रियार्थक वाक्य नहीं है वो निरर्थक है, और उनकी निरर्थकता को दूर करने के लिए वो अर्थवाद वाक्यों की विधि वाक्य विधि वाक्यों के साथ एक वाक्यता इत्यादि बताई गई थी इति च। अतः पुरुषम क्वचिद विषय विशेषे प्रवर्तयत और कुतश्चित विषय विशेषात निवर्तयत अर्थवत् शास्त्रम। तो किसी पुरुष को किसी विषय विशेष में प्रवृत्त कराने वाला और किसी विषय विशेष से निवृत्त कराने वाला जो शास्त्र है वही सार्थक शास्त्र है। और तच्छेषतया च अन्यद उपयुक्तम, और उसके शेष रूप में, उसके अंग के रूप में अन्य का उपयोग हो जाता है। तत्सामान्यात् वेदान्तानामपि तथैव अर्थवत्त्वं स्यात्, और क्योंकि वेदांत भी शास्त्र है, जैसे पहले भी बताया था वेद होने के कारण वेदांत शास्त्र है, तो इसलिए वेदांत भी उसी प्रत्यय से अर्थवत्त्व यानी उस प्रयोजनवत्ता वेदांतों की भी वैसे ही होनी चाहिए, अर्थात वेदांत भी प्रवृत्ति और निवृत्ति कराने वाले होने चाहिए। ये हो गया। सती च विधि परत्वे यथा स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनं विधीयते एवं अमृतत्व कामस्य ब्रह्मज्ञानं विधीयते इति युक्तम्। तो जैसे स्वर्गादि कामना, ये स्वर्गादि की कामना जिसको है, स्वर्गादि अधिकारी जो है उसको अग्निहोत्रादि साधन का विधान करते हैं स्वर्गादि काम अधिकारी को, इसी प्रकार जो अमृतत्व की कामना करने वाला है अमृतत्व कामस्य ब्रह्मज्ञानं विधीयते, उसको ब्रह्म उपासना का विधान हो रहा है इति युक्तम। ये इन्होंने अपनी बात वो पूर्व पक्षी ने यहाँ पर कह दी कि भाई वेदांतों को विधि परक ही होना चाहिए, क्यों प्रवृत्ति निवृत्ति परस्य शास्त्रत्वम न स्वरूप परस्य, और शास्त्र जब ही है जबकि वो प्रवृत्ति और निवृत्ति परखता उसमें हो। स्वरूप परक जो वेदांत वाक्य या शास्त्र नहीं कहा जा सकता। प्रवृत्ति निवृत्ति परस्य शास्त्रत्वम न स्वरूप परस्य, कार्य एव संबंधो न स्वरूपे, कार्य में ही संबंध होता है स्वरूप में नहीं होता। इति हेतुद्वयम् भाष्यवाक्येन उपपादितम्, यानी उसकी शास्त्रत्व और उसकी अर्थवत्ता, प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वात् यहाँ से लेकर के प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वात् इस ये बता रहे इत्यादि ना तत्सामान्यात् वेदांतानामपि तथैव अर्थवत्त्वं स्याद् इत्यन्तेन, यहाँ तक
भाष्य वाक्य के द्वारा ये हेतु बता दिए गए। नचे स्वतंत्रम कार्यम नियोज्यम अधिकारिणम अनुष्ठातारम अंतरेण इति नियोज्य भेदम आह। ये जो है आपका जो कार्य है ना वो स्वतंत्र नहीं होता, वो अधिकारी की अपेक्षा करता है। बिना अधिकारी के बिना अनुष्ठाता के कार्य स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये कहा है नियोज्य विशेष की बात कर रहे हैं सति विधि परत्वे। ये कहा ना सति विधि परत्वे च यथा स्वर्गादि कामस्य अग्निहोत्रादि साधनम विधीयते एवं अमृतत्व कामस्य ब्रह्म ज्ञानम विधीयते इति युक्तम। ये बता रहे हैं कि कार्य स्वतंत्र नहीं होता, उसको नियोज्य की अधिकारी की अनुष्ठाता की ये सब द्वितीय एक वचन में ना नियोज्यम अधिकारिणम अनुष्ठातारम, इसका मतलब ये अनियोज्य के बिना अधिकारिणम अनुष्ठातारम उसी का ही एक्सप्लेनेशन है नियोज्य का। तो अनुष्ठाता के बिना कार्य स्वतंत्र नहीं है, यानी कार्य को अनुष्ठाता की जरूरत है। तो अब ये कह रहे हैं कि उपासना कार्य यदि वेदांत का तात्पर्य है तो फिर उसके लिए भी आपको नियोज्य विशेष बताना चाहिए। या तो मीमांसा में स्वर्ग काम इत्यादि बता दिए आप, फिर वेदांत में क्या है उसके लिए बता रहे हैं कि भाई वेदांत में जो अमृत की जिसको कामना है, स्वर्ग की जिसको कामना है वह अग्निहोत्र करें, ज्योतिषोम याग करें, और अमृतत्व की जिसको कामना है वो ब्रह्मोपासना करें। इसलिए अमृतत्व काम से नियोज्य विशेष बता दिया। तो ब्रह्म ज्ञान का नियोज्य कौन है? अमृतत्व काम, जिसको अमृतत्व की कामना है वो ब्रह्म उपासना का नियोज्य हो गया। बात तो लॉजिकल लग रही है सर। हाँ बात तो ठीक लग रही है। हाँ जिसको जैसा फल चाहिए वैसा ही वो प्रयास करे हैं सर। है? जिसको जैसा फल चाहिए वैसा ही वो प्रयास करे। हाँ 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 आगे ब्रह्म वेद ब्रह्मयु भवति इति सिद्धवद अर्थवादात अवगतस्यापि ब्रह्म भवनस्य नियोज्य विशेष आकांक्षायां ब्रह्म बुभूषो नियोज्य विशेषस्य रात्रि सत्य न्यायेन प्रतिलंभः। ये जो वाक्य है ब्रह्म वेद ब्रह्मयु भवति, जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्मी हो जाता है, ये अर्थवाद वाक्य है। और इसमें सारे सिद्ध ही हैं पदार्थ भी, ब्रह्म वेद ब्रह्मय भवति, ये सिद्धार्थ परक वाक्य है। इस अर्थवाद वाक्य से जो ब्रह्मय भवति ये ब्रह्म भवन जो है ये नियोज्य विशेष की आकांक्षा को पूरा करता है, और वो फिर नियोज्य विशेष कौन हो गया? ब्रह्म बुभूषो, जिसको ब्रह्म होने की इच्छा है। ब्रह्म बुभूषो नियोज्य विशेषस्य प्रतिलंभः, उसकी प्राप्ति हो जाती है रात्रि सत्र न्यायेन, रात्रि सत्र न्याय से। अब ये रात्रि सत्र न्याय क्या है ये जरा आप देखिएगा कि ये कल्पतरु में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठवीं लाइन में प्रतितिष्ठन्ती है वा ये एता रात्रि उपयन्ति इति श्रूयते। प्रतितिष्ठन्ती है वा ये एता रात्रि उपयन्ति, ये अर्थवाद वाक्य है। और यहाँ रात्रि शब्द से ही कहा है कि शब्देन आयुर ज्योतिर इत्यादि वाक्य विहिता सोमयाग विशेषा उच्यन्ते। ये जो बताया ना ये वाक्य हैं ऐसे सोमयाग हैं, जिसमें सोमयाग एक ये आयुर जुहोति ज्योतिर जुहोति इत्यादि सोमयाग का विधान किया हुआ है। तो वहां पर इन यागों का विधान, सोमयाग का विधान तो कर दिया है, परंतु वहां पर किसी फल का फल का उल्लेख नहीं। तभी ये कह रहे हैं कि भाई देखो
यहाँ पर रात्रि शब्देन आयुर्ज्योति इत्यादि वाक्य विहिता सोम याग विशेषा उच्चन्ते किमत्र स्वर्गैव अधिकारी विशेषणम उत प्रतिष्ठा इति संशयः। थोड़ा सा मीमांसा का विषय है ये। अब इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो बिना फल के ये जो सोम याग का यहाँ विधान किया हुआ है, इसका हम अधिकारी यानी नियोज्य किसे माने, उस नियोज्य का विशेषण क्या होगा, वो स्वर्ग काम स्वर्ग की कामना वाला या प्रतिष्ठा की कामना वाला। ये इसका मतलब जहां पर भी किसी याग इत्यादि का विधान है और वहां पर फल नहीं है तो उसके लिए मीमांसा में ये न्याय है कि स स्वर्ग स्यात् सर्वान् प्रति अविशिष्टत्वात्, तो वहां पर स्वर्ग की कल्पना कर लेनी चाहिए। और इसके लिए बड़ा पॉपुलर एक वाक्य है विश्वजित न्याय, विश्वजिता यजेत में यहां पर फल नहीं दिया हुआ। थोड़ा इसको डिटेल में बता रहा हूं मैं, क्योंकि भामतिकार थोड़ा सा इसके बारे में मत विभिन्न बताएंगे आगे, वो समझ में आ जाए तो ठीक है। विश्वजित न्याय का ये मतलब विश्वजिता यजेत में विश्वजित न्याय से स्वर्ग की कल्पना आम ऐसे माना जाता है कि भाई जिस किसी का फल नहीं दिया हुआ तो विश्वजित न्याय से वहां पर स्वर्ग का कल्पना कर लो आप। यही वो बात यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो सोमयागों का विधान किया हुआ है और विश्वजित न्याय से यहाँ पर इन सोमयागों के लिए आप स्वर्ग की कल्पना कर लो। परंतु शास्त्र में ये बात आ रही है कि यहाँ पर अर्थवाद वाक्य भी दिया हुआ है, प्रतितिष्ठन्ति ह वा य एता रात्रि उपयन्ति। तो प्रतितिष्ठन्ति यहाँ पर ये इससे जो प्रतिष्ठा का ज्ञान हो रहा है तो वो कह रहे हैं कि ये जो रात्रि के सोम याग का विधान किया हुआ है, इन यागों का जो फल है वो प्रतिष्ठा मान लो। अब ये दिक्कत हो गई कि यहाँ इसका प्रतिष्ठा फल माना जाए इन सोम यागों का या स्वर्ग फल माना जाए। समझ आ रहा, जहां पर फल नहीं दिया हुआ है वहां विश्वजित न्याय से फल हम स्वर्ग ले लेते हैं, और यहां पर ये न्याय है रात्रि सत्य न्याय। रात्रि सत्य न्याय के लिए ये रात्रि के जो सोम याग का विधान यहां किया हुआ है, तो इनको इस रात्रि सत्य न्याय से, रात्रि सत्य न्याय का ये मतलब है कि ये जो अर्थवाद वाक्य है, इस अर्थवाद वाक्य में जो प्रतिष्ठा का ज्ञान हमको हो रहा है उस प्रतिष्ठा को ही इन सोमयागों का फल मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अर्थवाद वाक्य से साक्षात इसकी उपलब्धि हो रही है और स्वर्ग की हमको कल्पना करनी पड़ेगी। कल्पना करने में गौरव दोष है, वो परोक्ष वृत्ति है, और अर्थवाद वाक्य से जो प्रतिष्ठा का हमको लाभ हो रहा है वो अपरोक्ष वृत्ति है, साक्षात लाभ हो रहा है। तो लाघव की दृष्टि से यहां पर यह माना जाता है कि अर्थवाद वाक्य में जो प्रतिष्ठा का ज्ञान हमको हो रहा है वो प्रतिष्ठा रूप फल ही इन सोम याग विशेषों का मान लेना चाहिए। तो जैसे रात्रि सत्र न्याय से इन सोम यागों के लिए प्रतिष्ठा फल मान लिया गया और नियोज्य का विशेषण प्रतिष्ठा हो गया, ठीक उसी प्रकार से ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति इस अर्थवाद वाक्य में जो ब्रह्म भवन है उस ब्रह्म भवन को आप रात्रि सत्र न्याय से फल मान लीजिए। अर्थवाद वाक्य है यहां पर ब्रह्म वेद ब्रह्मयो भवति, ऐसे ही प्रतितिष्ठन्ति ये वा एता रात्रि उपन्ति, ये भी अर्थवाद वाक्य है। तो अर्थवाद वाक्य में जो प्रतिष्ठाएं आए उसको हमने फल मान लिया उन सोमयागों का, और इसी प्रकार से ये ब्रह्मवेद ब्रह्मयी भवति यहां पर ब्रह्म भवन हमको स्पष्ट सुनाई दे रही है अर्थवाद वाक्य में, तो ब्रह्म भवन को हम इस नियोज्य का विशेषण मान लेंगे कि जो ब्रह्म होना चाहता है, जो ब्रह्म विभूषु है वो ब्रह्म विद्यात, अपनी तरफ से ये ऐड कर रहा हूं,
ब्रह्म बुभूषु ब्रह्म विद्या हो गया विधि वाक्य, जो ब्रह्म होना चाहता है ब्रह्म को विद्या माने ब्रह्म की उपासना करे। तो रात्रि सत्र न्याय का ये मतलब हो गया कि यदि अर्थवाद वाक्य में हमको फल कोई दिखाई दे रहा है तो हम वो विश्वजित न्याय इत्यादि नहीं लगाएंगे, रात्रि सत्य न्याय से उस फल को नियोज्य का विशेषण मान लेंगे। ये पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक है। तो विधि वाक्यों में सीधे फल विहित हो, फल फल दिखाई पड़ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, फिर क्या कोई परेशानी नहीं है? ना ना, कोई परेशानी नहीं। अगर वहाँ कोई फल नहीं है तो विश्वजित न्याय लगेगा। हाँ, ये बलराम बलराम विश्वजित न्याय लगेगा नहीं लगेगा ये मैं डिस्कस करूंगा बाद में। अच्छा अच्छा, क्योंकि भामतिकार उसका खंडन कर रहे हैं। और अगर अर्थवाद तत्संबद्ध किसी अर्थवाद वाक्य में कोई फल प्रकारांतर से आ रहा है उसको भी उसी तरह से मान लेना चाहिए जैसे कि वाक्य के अंग के रूप में कोई फल आता है। हाँ 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 हाँ, तो इसलिए वो ये कह रहे हैं कि वो तो जो अर्थवाद वाक्य उसे साक्षात मिल रहा है जी, और आपको स्वर्ग इत्यादि की तो कल्पना करनी पड़ती है, अनुमान से करते हैं जी, वो इनडायरेक्ट है। इसलिए अर्थवाद वाले अर्थवाद वाक्य में जो फल आपको उसका ज्ञान हो रहा है उसी को आप नियोज्य का विशेषण बना लो जी, ये जी। कहना चाह रहे हैं तो ब्रह्म भूषुर ब्रह्म विद्यात जैसा कोई सीधे 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 विधि वाक्य नहीं है तो हम उसके तत्संबद्ध अर्थवाद वाक्य से ही इसका फल हाँ ले लेंगे और फिर इस प्रकार से विधि वाक्य की रचना कर लेंगे जी। ऐसे ये है कि यहाँ पर जो प्रतिष्ठा चाहता है वो इन इन ये जो सोमयाग है इनको करे, जो आयुर्ज्योति ज्योतिर्ज्योति इत्यादि सोमयाग का जो विधान है, तभी कहा ना कि मत स्वर्ग एव अधिकारी विशेषण वो तो प्रतिष्ठा इति संशय, ये आ रहा है इसमें कल्पतरु में दिया हुआ है कि मत स्वर्ग एव अधिकारी विशेषण भूत प्रतिष्ठा इति संशय तत् तब वो कहना तत्र एवं काम इत इत श्रवणात विधि शक्ति लभ्य स्वर्ग एव विशेषणम संदेही वाक्य शेष स्वीकार न निश्चय निश्चितश्च सर्वाभिलषित स्वर्गो विधि सामर्थ्यात नियोज्य विशेषणम या तो प्रतिष्ठा विषया श्रुति सापि लक्षणया स्वर्ग परेव कल्पते इति प्राप्तम क्रतु रात्रि सत्रादौ न प्रतिष्ठादि विवक्षितम इत्येतावन मात्रेण अंगवद इति सूत्रे प्रयाजाद्यंग फलार्थवाद उदाहरणम न तो तद्वत पदार्थत्वम अस्ति रात्रि सत्रणाम एवं प्राप्ते उच्यते, एवं प्राप्ति सिद्धांत ये दे रहे हैं, ये फलमत्रा फलमत्तात्रेयो निर्देशात अश्रुतौ ही अनुमानम स्यात्। ये जो मैं बता रहा था ना प्रतिष्ठा फलस्य निर्देशात तदेव अधिकारी विशेषणम यत्तु विधि शक्त्या स्वर्ग इति तन्न मुख्यार्थ श्रुति पदानुगुण्येन विधि शक्तौ पर्यवसितायाम आनुमानिक स्वर्ग फल कल्पना अनवकाश। इसका अवकाश नहीं है क्योंकि मात्र अर्थवाद में मुख्यार्थ श्रुति से ही प्राप्त हो गया हमको फल। तस्माद वाक्य शेषस्थम एव फलम, वाक्य शेषस्थ माने वही अर्थवाद वाक्य में फल है। अब वो विश्वजीत न्याय वक्तव्य इत्यादि इस पे जो वो कहते हैं कि भैया विश्वजीत न्याय नहीं लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाना चाहिए उसको मैं बता रहा हूं, अब जरा ध्यान से सुनना। ये कल्पतरु परिमल में दिया है यह सत्राय अवगुरते स विश्वजिता यजेत, जो सत्र का संकल्प करता है, अवगुरते माने संकल्प करता है, दमन करोति हाँ, स विश्वजिता यजेत वो विश्वजित विश्वजित याग करे। अब यहां पर विहितो विश्वजित नैमित्तिक अधिकार, सत्र एक नैमित्तिक याग है, वो बड़ा याग होता है जो 13 दिन से लेकर हजारों वर्षों तक चलता है और उसमें वो उसमें फल ऑलरेडी हैं, यानी ये कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति विश्वजित याग का संकल्प करता है याग करने का, उसका फल भी जो नैमित्तिक सत्र का फल है उसी में आ जाता है, तो इसलिए विश्वजित बिना फल का नहीं है। पॉइंट समझ आया? यह सत्राय अवगुरुते इति विहितो विश्वजित नैमित्तिक अधिकार, तो यहां पर नैमित्तिक का जो फल है सत्र का जो फल है वही विश्वजित याग का फल है, इसलिए विश्वजित जो है वो बिना फल का नहीं है,
इसलिए यहां पर विश्वजित न्याय नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि विश्वजित का फल है, वो फल रहित नहीं है, तो फिर कौन सा लगेगा? तो उसने कहा है कि ये भैया यहां पर भामतिकार भी कह रहे हैं ना स्वयं में, पिंड पितृ यज्ञ न्याय न तू, यहां पर पिंड पितृ यज्ञ न्याय लगेगा, क्योंकि पिंड पितृ यज्ञ के लिए वहां पर कोई फल नहीं पढ़ा गया है। तभी ये यहां पर है कल्पतरु परिमल में समझ में आएगी बात, तो देखो ये नैमित्त कल्पतरु में नैमित्तिक अधिकारे फल कल्पना कृत्वा चिंता, यानी यहां पर जो विश्वजित न्याय की बात की है, विश्वजित का कोई फल नहीं है ऐसा मान करके चिंता की गई है, ऐसे मान करके ऐसा कहा गया है, जबकि विश्वजित न्याय यहां पर लागू नहीं होता। नैमित्तिक अधिकार विश्वजित न्याय के न्यायत्व का ही खंडन कर रहे हैं क्या? हाँ, विश्वजित न्याय न्यायत्व ही खत्म हो गया ना यहाँ तो, फिर पिंड पितृ यज्ञ उसकी जगह पे, तभी तो कहना स्थिर उदाहरणत्व उदाहरता, पिंड पितृ यज्ञ को स्थिर उदाहरण त्वेन, इसका मतलब वो जो विश्वजित न्याय की बात कर रहे हैं लोग, वो ऐसा मान के करते हैं कोई लोग कि विश्वजित का कोई फल नहीं है, ऐसा मान करके चिंता कर रहे हैं, इसको कहते हैं कृत्वा चिंता। वेदांत कल्पतरु में दिया है नैमित्तिक अधिकारे फल कल्पना कृत्वा चिंता, इसलिए कहा कृत्व चिंतया, इस प्रकार मानकर कैसा किया जा रहा है, इसलिए स्थिर उदाहरण यह पिंड पितृ यज्ञ, पिंड पितृ यज्ञ स्थिर उदाहरण उदाहृत, ये जो भामतिकार कह रहे हैं पिंड पितृ यज्ञ न्यायंतु स्वर्ग कामस्य नियोज्यस्य, तो पिंड पितृ यज्ञ न्याय से स्वर्ग काम नियोज्य माना जाना चाहिए। कल्पना नियोज्य से कल्पनायाम अर्थवादस्य असंवेत अर्थतया अत्यंत परोक्षा वृत्ति स्यात्। अर्थवादस्य असंवेत अर्थतया का मतलब है अर्थवाद में जो बिल्कुल नहीं सुनाई देता, अर्थवाद में जिसका श्रवण नहीं होता, जिसका अर्थवाद में श्रवण नहीं होता उसके लिए स्वर्ग की कल्पना कर लेनी चाहिए। अर्थवादस्य असंवेत अर्थतया अत्यंत परोक्षा वृत्ति स्यात्। ब्रह्म भावश्च अमृतत्वम इति अमृतत्व कामस्य इत्युक्तम्, ये इसका अर्थ दे दिया है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जब अर्थवाद में यदि हमको कोई फल सुनाई दे रहा है तो हम ले लेंगे, और यदि फल नहीं दे रहा है तो पिंड पितृ यज्ञ न्याय से वहां पर स्वर्ग की कल्पना कर लेंगे, ये इसका निष्कर्ष है। ब्रह्म भावश्च अमृतत्वम अमृत कामस्य इत्युक्तम्, ब्रह्म भाव होना ही ये अमृतत्व है, अमरत्व है, यही वो जो अमृतत्व की कामना करने वाला है उसी के लिए कहा गया ये फल। और अमृतत्व जो है वो अमृतत्व से ही प्राप्त होगा, यानी कि जो ऐसा तत्व है जिसमें कोई क्रिया इत्यादि ना हो, और जो बिल्कुल किसी भी प्रकार के जैसे प्राप्य संस्कारीय विकारीय उत्पाद्य इत्यादि कर्मत्व से जिनका कोई संबंध ना हो, उसी से अमृतत्व की प्राप्ति होगी, न कृतकत्वेन। कृतकत्व माने कोई भी कार्यपरक विधा या हम अपना रहे हैं उससे कभी भी अमृतत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आगम विरोधात्, आगम इसका विरोध करता है। न कृतकत्वेन शक्यम अनित्यम अनुमातुम, और कृतकत्वेन से तो अनित्य ही अनुमान का विषय बनेगा। उस कृतकत्वेन यानी कार्यत्व हेतु से हम उसका अनुमान नहीं करना चाहिए अमृतत्व का। हमें अमृतत्व का कार्यत्व हेतु से अनुमान करना ठीक नहीं है, ना वो हो सकता है, क्योंकि आगम इसका विरोध करता है, और वो आगम इसका विरोध करता है वो आगे बताएंगे, ये आगे ये बता रहे हैं। उक्तेन धर्म ब्रह्म ज्ञानयोर वैलक्षण्येन वैलक्षण्येन विधि विधि विद्या विषयत्वं चोदयति ननु इति, ननु ऊपर कह रहे हैं ये, ननु इह जिज्ञास्य वैलक्षण्यम् उक्तम्,
अरे भाई हमने तो ये कहा ही हुआ था कि यहाँ पर दोनों जिज्ञासों में विलक्षणता है। जिज्ञासे का मतलब जो मीमांसा है उसमें जिज्ञासे है धर्म, और ब्रह्म मीमांसा में जिज्ञासे है ब्रह्म। धर्म के ज्ञान के बाद धर्म के अनुष्ठान की अपेक्षा होती है, और ब्रह्म के ज्ञान के बाद ब्रह्म के ज्ञान के बाद किसी अनुष्ठान इत्यादि की अपेक्षा नहीं होती, यही बता रहे हैं वो। ननु यह जिज्ञासे वैलक्षण्य मुक्तम कर्म कांडे भव्यो धर्मो जिज्ञास्य। कर्म कांड में धर्म धर्म भव्य है, भव्य माने आगे होने वाला है। वो जिस दिन धर्म का हमें ज्ञान हो रहा है उस दिन उसकी सत्ता नहीं है, जब हम अनुष्ठान करेंगे तब वो सत्ता में आएगा। तो वहां पर धर्म जिज्ञास्य है, और यह तो भूतम नित्य निवृत्तम ब्रह्म जिज्ञासम। यहाँ पर नित्य निवृत्त यानी कि बिल्कुल ब्रह्म है जिज्ञास्य। तत्र धर्म ज्ञान फलाद अनुष्ठान अपेक्षा विलक्षणम ब्रह्म ज्ञान फलम भवितुमर्हति। धर्म ज्ञान के फल से जिसमें अनुष्ठान की अपेक्षा है उसमें ब्रह्म ज्ञान का फल विलक्षण होना चाहिए। सर, ये नित्य निवृत्तम है या निर्वृत्तम है? ये मेरी उसमें ये दिया हुआ है निवृत्तम। निवृत्तम मतलब? हाँ, निवृत्तम का मतलब जिसमें जिसमें कोई प्रवृत्ति है ही नहीं, कोई बिल्कुल अच्छा, निष्कर्म कह लो उसको, निष्कर्म कह लो, जिसमें कोई कोई प्रवृत्ति है ही नहीं, यानी जिसमें कोई क्रिया ही नहीं है, निवृत्ति ही हो गया ना। जैसे ये सुरेश्वराचार्य की जो ग्रंथ है निष्कर्म सिद्धि, जी। ब्रह्म ब्रह्म का गुण निष्कर्म है, हाँ यानी उसमें कर्म है ही नहीं। उसी सेंस में जिसमें प्रवृत्ति का बिल्कुल सर्वथा अभाव हो, ठीक, कर्महीन निष्कर्म निष्कर्म युक्त, ऐसे ही अच्छा। भव्यो जिज्ञास यह तो भूतम नित्य निवृत्तम ब्रह्म जिज्ञास्यम तत्र धर्म ज्ञान फलाद अनुष्ठान अपेक्षाद विलक्षणम ब्रह्म ज्ञान फलम भवितुम अर्हति। अब वो पूर्व पक्षी कहता है नार्हति एवं भवितुम, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? कार्य विधि प्रयुक्त से ब्रह्मण प्रतिपाद्यमानत्वात्। ब्रह्म तो कार्य विधि के साथ ही जुड़ा हुआ है, आत्मा वारे द्रष्टव्य इत्यादि। यह आत्मा अपत पापमा सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य। आत्मा इत्येवोपासित आत्मानम लोक आत्मानमेव लोकम उपासित। ये सारे वो देना विधि के, आत्मा वारे द्रष्टव्य, तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, विधि विधि की जिससे ज्ञान हो रहा है कार्य। यह आत्मा अपमत पापमा स्व अन्वेष्टव्य, तो अन्वेषण का कर्म बन गया। स विजिज्ञासितव्य, ये इसका ज्ञान विधि का कर्म बन गया। आत्मा इत्येव उपासित, आत्मा ही है ऐसी उपासना करे। आत्मानमेव लोकम उपासित, आत्मा ने यहाँ लोक का मतलब है जो अपना आत्मा है उसको, स्वलोकम आत्मा ही अपना लोक है उसकी उपासना करे। और फिर ये जो है ब्रह्मवेद ब्रह्मई भवति इत्यादि विधानेशु सत्सु। अब इस प्रकार के विधान वाक्यों के होने पर कोऽसौ आत्मा किं तद् ब्रह्म इत्याकांक्षायां तत्स्वरूप समर्पणेन सर्वे वेदांता उपयुक्ता। ये जो ब्रह्मवेद ब्रह्मई भवति इत्यादि हैं, और नित्य सर्वज्ञ सर्वगतो नित्य तृप्तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ये विज्ञानम आनंदम भृत्येवम आदया, ये सब ब्रह्म कैसा है उसकी आकांक्षा को उस आकांक्षा की पूर्ति के लिए उसके स्वरूप का समर्पण ये वेदांत वाक्य कर रहे हैं, उसी में इनका उपयोग है। अर्थात वेदांत उपासना परक है। यहां तक कर लेते हैं इसको, फिर आगे देखेंगे। हाँ जी, ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति को विधिवाक्य क्यों मान रहे हैं इत्यादि विधानेषु? वो ये हाँ इत्यादि विधानेशु, ये मुझे लग रहा है कि ये होना चाहिए उसमें। या तो इसको ऐसा मान करके वो कर रहे हैं कि जो ब्रह्म ब्रह्म बुभुषु ब्रह्म विद्यात के अर्थ में ले रहे हैं, जैसे वो उन्होंने लिया ना वही है ना सर, ऊपर दिया है ना, सो अन्वेष्टव्य सब जिज्ञासितव्य, हाँ तो
तो ऐसे यहाँ भी है कि ब्रह्म वेद ब्रह्म ही भवति, माने ब्रह्म को जान स विजिज्ञासितव्यः, हाँ ये अर्थ इसका निकलेगा सीधे। हाँ यही निकलेगा। हरिओम।